बढ़िया। चलो दोस्तों, आज फिर दोबारा कुछ कैलेंडर फंक्शंस, फिर दोबारा कुछ कंट्रोलर्स फटाफट से करते हैं कंप्लीट और करते हैं बाय बाय टाटा, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ज्यादा नहीं है, बस 30 एक मिनट 40 एक मिनट की क्लास है, ज्यादा नहीं, छोटा सा, पर 4 5 कंट्रोलर बनाने हैं और फटाफट से हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। आपको हमने होमवर्क भी दिए थे ये सारे कंट्रोलर्स कंप्लीट करने के लिए, और आई थिंक आप सभी ने कर लिए होंगे। तो बड़ा चलो चलते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या हम करने वाले थे, कैसे कैसे हम करने वाले थे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो 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 चलो, बैक एंड खत्म तो नहीं, एक दो क्लास और लगेगी, हो जाएगा उसके बाद। थोड़ा सा देखो टाइम तो ज्यादा लगेगा, 1 महीने का हमने टाइम लिया था कंप्लीट करने के लिए मेजर प्रोजेक्ट, पर थोड़ा सा हैवी बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, एक दो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अच्छी चीज बनने में टाइम तो लगता ही है दोस्त, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं चाहूँ तो फीचर कट डाउन करके आपका 1 महीने में कंप्लीट करा सकता हूँ, पर फीचर कट डाउन करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने कोर्स का कंट्रोलर बना रखा है, कोर्स नाम से हमने कंट्रोलर बना रखा है कि नहीं बना रखा दोस्त? ठीक है, और हमने क्या कहा था, हमने अभी तक इसके अंदर दो हैंडलर फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, कौन कौन से हैं। पहला है हमारा क्रिएट कोर्स, हम कोई कोर्स क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जहां पर हमने खूब दिमाग लगाया था कैसे करें कैसे ना करें। एक होमवर्क भी आपको यहाँ पर हमने देखा, हमने आपको बताया था कि आपको कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर भी चेंजेस करने हैं कोर्स जब आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, होमवर्क आपको दिया था, आई थिंक आपने कंप्लीट किया होगा। सेकेंडली हमने एक हैंडलर फंक्शन बनाया, इसका नाम क्या था, शो ऑल कोर्सेज या गेट ऑल कोर्सेज, ऐसा करके हमने कुछ बनाया था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, एक और हैंडलर फंक्शन में क्रिएट करना है, जिसका बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सा हैंडलर फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर हम करना चाहते हैं कोर्स की एंटायर डिटेल हम रिटर्न करना चाहते हैं। एक कोर्स के अंदर जो भी डिटेल्स हैं, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, उसके अंदर जितने भी सेक्शन है, जितने भी सब सेक्शन है, जो भी रेटिंग रिव्यू है, जो भी कैटेगरी है, जो भी नाम है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, सारा का सारा डेटा मुझे चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में डेटा मत देना, एग्जैक्ट एंटायर डेटा देना। जब सेक्शन भी पॉपुलेट कर रहे हो तो भाई साहब ऑब्जेक्ट आईडी मत देना, पूरा एंटायर सेक्शन पॉपुलेट करना। जब सब सेक्शन की बात कर रहे हो, सब सेक्शन का ऑब्जेक्ट आईडी मत देना, एंटायर डेटा पॉपुलेट करना। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे को एक हैंडल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना है, इसका नाम है जी गेट कोर्स डिटेल्स। तो आपका बोला हमने कि कोर्स डिटेल्स करके हमें एक हैंडलर फंक्शन राइट डाउन करना है। अगेन आपको मैंने शायद होमवर्क में दिया था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक बार करने के लिए, और आई थिंक आप सभी ने ट्राई किया होगा। ट्राई किया हम सभी ने, ट्राई किया हम सभी ने दोस्त, किया किया किया, बढ़िया। नहीं भी हुआ, हुआ कोई बात नहीं, ट्राई करना इंपॉर्टेंट था, मैं कंप्लीट करवाता हूँ अभी। सेकंड चीज, मैंने आपको कहा था कि हमने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़ा रिफैक्टर किया है कोड को, हमने कोड आपके शेयर किया था, आपने देखा, आपने देखा? हाँ, सबने देखा, इतने अच्छे बच्चे हो तुम। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, लड़के और लड़कियों, शुरू करें शुरू करें, ले चले आपको। भैया क्लास के बाद अपलोड कर लो भैया, क्या 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 अपलोड कर दें, अपलोड तो हुआ पड़ा है। चलो फटाफट से हम चलते हैं, हमारी स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको ले चलते हैं आपके कोड की तरफ। यहाँ पर हम चाहते हैं हमारे कोर्स वाले कंट्रोलर के अंदर जाना, दो हमने कंट्रोलर, दो हैंडलर फंक्शन में डिफाइन कर लिए हैं, और मैं क्या चाहता हूँ, गेट कोर्स डिटेल्स करके एक हैंडलर फंक्शन मेरे पास है, उसे मैं फटाफट से राइट डाउन कर दूं। ठीक है, अगेन मॉडल में चलते हैं कोर्स के, एक बार मैं यहाँ पे सारा का सारा डेटा देख पा रहा हूँ। मेरे पास कोर्स का नाम है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन है, इंस्ट्रक्टर यहाँ पर ऐड हुआ पड़ा है, क्या पढ़ने वाले हो, कोर्स का कंटेंट क्या है, रेटिंग रिव्यू क्या है, प्राइस क्या है, थंबनेल क्या है, टैग क्या है, कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट एनरोल्ड क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्टेटस क्या है, ये सारा का सारा डेटा, ये सारा का सारा डेटा अगर आपने दोबारा से कोर्स को रिव्यू किया है तो आपको पता लगा होगा कि यहाँ पर ये कुछ एक नई चीज ऐड हुई पड़ी है। अगर आपने कोर्स को रिव्यू किया है तो आपको पता लगा होगा टैग को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपने कोर्स को इस कोड को रिव्यू किया तो कैटेगरी आपने देखा होगा, यहाँ पे कैटेगरी नाम के एक नया मॉडल बन गया। अगर आपने इसको रिव्यू किया है तो यहाँ पे स्टेटस नाम की एक नई फील्ड आ गई। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला जानबूझ के कि आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कोड, नहीं तो यार सबको नया नया लगेगा कि ये तो पढ़ाया नहीं था, ये तो कोड ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया, राइट? तो एक बार कृपया करके कोड को डीप डाइव करना, दोबारा देखना क्या क्या चीजें लिखी होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने ऑलरेडी कहा था चीजें, जब एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है चीजें बहुत सारी ऑन द गो डिलीट हो रही होती हैं, ऑन द गो नई चीजें ऐड हो रही होती हैं, तो उसका एक पार्ट कह सकते हैं। तभी हमने क्या बोला, मैं एक कोर्स की डिटेल जब कहता हूँ गेट कोर्स डिटेल्स, तो मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा डेटा, किसी भी एक कोर्स के लिए सारा का सारा डेटा मुझे
चाहिए, और मुझे किसी भी डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी प्रिंट मत करके देना, ऑब्जेक्ट आईडी प्रिंट मत करके देना, मुझे एंटायर डेटा चाहिए, एक्चुअल डेटा चाहिए। ठीक है, करें शुरू। चलो अगेन लेट्स से कि मेरे को ये कंट्रोलर यहाँ पे राइट डाउन करना है। चलो फटाफट चलते हैं, आपसे स्टेप्स पूछेंगे। अगेन कुछ ज्यादा खास मुश्किल है नहीं है, कुछ सिंपल सी चीज है, पर चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे चीजें काम करेंगी यहाँ पे। और मैंने कहा कि एक फंक्शन कॉल में बात बन जानी चाहिए, तो चलो लिखना शुरू करते हैं। हमने बोला दी एक्सपोर्ट्स डॉट, मैंने यहाँ रख दिया इसका गेट पोर्ट्स डिटेल्स इज इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन, और हमने कहा कि सब कुछ हम डाल देंगे एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है जी, अब मुझे बताओ अगर मुझे किसी कोर्स की डिटेल चाहिए सारी की सारी, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे सारे के सारे स्टेप्स रहने चाहिए, बताओ भाई। भैया सबसे पहले आपको किसी कोर्स की डिटेल चाहिए, तो आपको अगर कोई भी कोर्स का डेटा चाहते हैं, आपके पास कोर्स की आईडी होनी चाहिए, तो पहले कोर्स की आईडी फेच करो। कोर्स की आईडी कहां से मिलेगी? कोर्स की आईडी मुझे मेरे रिक्वेस्ट की बॉडी से मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगा इनपुट रिक्वेस्ट के अंदर। चलो कोर्स की आईडी आ गई मेरे पास, अब क्या करूं? आप कोर्स की डिटेल फाइंड आउट करो, पर कोर्स की डिटेल फाइंड आउट करोगे तो वहां पर सेक्शन सब सेक्शन ये सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में स्टोर होगी तो मुझे क्या करना है? मुझे इनको पॉपुलेट करना है, तो बहुत सारी पॉपुलेट क्वेरीज यहां पर राइट डाउन करने वाले हो आप। ठीक है, अगेन रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स, खत्म, तीन बातों में गेम खत्म। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? आईडी को लेकर आना। तो हम यहाँ पे आए, हमने बोला गेट आईडी, तो आप आईडी लेके आए, आपने बोला जी कॉन्स्ट, मैंने ले ली अपनी कोर्स आईडी, और कहाँ से ली है जी कोर्स आईडी? मैंने ली है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, मैंने डी स्ट्रक्चर करके आईडी निकाल ली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने किया कि कोर्स की डिटेल फाइंड आउट करो, मैंने बोला फाइंड कोर्स डिटेल्स। चलो कोर्स की डिटेल फाइंड आउट कर ली मैंने, इसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया कोर्स, कोर्स हमने एक वेरिएबल बना दिया कोर्स डिटेल्स करके, और मैंने यहाँ पर क्वेरी कर दिया, मैंने यहाँ पे मेथड यूज कर लिया फाइंड वाला, कोर्स डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर मैंने क्या बता दिया, फाइंड के अंदर मैंने क्या बता दिया किस बेसिस पे फाइंड आउट करूं, मैंने बोला इस आईडी के बेसिस फाइंड आउट करो कि आपकी ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो इसके इक्वल है, इस बेसिस पे फाइंड आउट करो। ठीक है, इस बेसिस पे फाइंड आउट कर लेंगे दोस्त, इस बेसिस पे फाइंड आउट कर लेंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब और क्या चाहता हूं मैं इसके साथ? ठीक है, यहां से डेटा तो मुझे मिल जाएगा, डेटा तो मुझे मिल जाएगा, डेटा तो मुझे मिल जाएगा, वो तो आसान गेम है, वो तो आसान है, पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि बाय रेफरेंस आपने अटैच की हुई है यहाँ पे, जैसे कि आपका इंस्ट्रक्टर वाली फील्ड हो गई, आपका कोर्स कंटेंट वाली फील्ड हो गई, रेटिंग रिव्यू वाली फील्ड हो गई, कैटेगरी वाली फील्ड हो गई, स्टूडेंट एनरोल्ड वाली फील्ड हो गई, स्टेटस वाली फील्ड हो गई, राइट, स्टेटस वाली नहीं हुई यार, सिर्फ स्टूडेंट एनरोल्ड था। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपने ऐसे रेफरेंस पास की हुई है, आपने क्या बोला कि मुझे इनमें से किसी की ऑब्जेक्ट आईडी नहीं चाहिए, मुझे सबके साथ पॉपुलेट करके दो। तो हमने फटाफट यहाँ पे राइट डाउन शुरू किया, राइट डाउन करना शुरू किया, हमने बोला जी पॉपुलेट हम करना चाहते हैं, किसको पॉपुलेट करना चाहते हो सबसे पहले? भैया सबसे पहले मेरे को दिख रही है कौन सी फील्ड दिख रही है, सबसे पहले मुझे दिख रही है इंस्ट्रक्टर वाली फील्ड, तो हमने बोला इंस्ट्रक्टर वाली फील्ड पॉपुलेट करो, हमने बोला सबसे पहले इंस्ट्रक्टर वाली फील्ड पॉपुलेट करो। और अगर ध्यान से देखो तो इंस्ट्रक्टर वाली जो फील्ड होगी वो क्या है, इंस्ट्रक्टर वाली जो फील्ड है वो क्या है, इंस्ट्रक्टर वाली फील्ड बेसिकली यूजर का रेफरेंस है, और यूजर के अंदर क्या है, यूजर के अंदर आपका, यूजर के अंदर आपका ये एडिशनल डिटेल्स का रेफरेंस होता था, राइट। तो मैंने बोला यार ये प्रोफाइल का रेफरेंस है, इसको भी पॉपुलेट करना, इसको भी पॉपुलेट करना। ठीक है, तो हमने कहा चलो वापस कोर्स में, मैंने कहा कि इंस्ट्रक्टर को भी पॉपुलेट करना जो भी डिटेल्स हैं, एज वेल एज जो भी इसके अंदर, जो भी इसके अंदर एडिशनल डिटेल्स होंगी वो भी पॉपुलेट कर देना। तो मैंने बोला ये दोनों आपने चीजें पॉपुलेट करवा ली, दोनों चीजें आपने पॉपुलेट करवा ली, क्या ये बात समझ में आती है? आपने इंस्ट्रक्टर की, इंस्ट्रक्टर को भी पॉपुलेट करवा लिया, साथ ही साथ उस इंस्ट्रक्टर का जो प्रोफाइल का डेटा था जिसका नाम हमने एडिशनल डिटेल रखा हुआ था वो भी आपने पॉपुलेट करवा लिया। ठीक है, पहला काम डन, पहला काम डन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि यार एक पॉपुलेट तो हो गया, सेकंड पॉपुलेट मैंने बोला कैटेगरी नाम से ही पॉपुलेट हो रहा होगा, कैटेगरी भी पॉपुलेट कर दो। तो हमने बोला जी कैटेगरी भी फटाफट पॉपुलेट कर दो, ये लो कैटेगरी भी आ गई। मैंने कहा जी और भी चीजें हैं जैसे रेटिंग एंड रिव्यूज है, तो रेटिंग एंड रिव्यूज भी फटाफट आप, रेटिंग एंड रिव्यूज है इसको भी आपने पॉपुलेट कर दिया। मैंने कहा जी और भी चीजें हैं जैसे कि आपका कोर्स कंटेंट, कोर्स कंटेंट तो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया आपका कोर्स कंटेंट, कि मुझे अपना जो कोर्स कंटेंट है, मुझे अपना जो कोर्स कंटेंट है उसको फटाफट से
कोर्स कंटेंट को भी इसमें ऐड करना है। अब अगर मैं कोर्स कंटेंट के अंदर जाऊं, मॉडल के अंदर कोर्स कंटेंट जो सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर जाकर तो वहां पे सब सेक्शन भी है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कोर्स के अंदर आके कि यार पॉपुलेट कोर्स कंटेंट को तो करना, पर कोर्स कंटेंट के साथ साथ, पर कोर्स कंटेंट के साथ साथ जो सब सेक्शन है, जो सब सेक्शन है उसको भी पॉपुलेट करना है, उसको छोड़ मत देना। ठीक है, अगेन जैसे नेस्टेड आपने ऊपर देखी थी, सेम उसी प्रकार नेस्टेड क्वेरी यहाँ पर हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ इंस्ट्रक्टर का डेटा भी आए, साथ में एडिशनल डेटा भी आए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कोर्स का कंटेंट भी आए, साथ में सब सेक्शन का कंटेंट भी आए। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, इस प्रकार से आपने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, और आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। क्या बात समझ में आती है? इंस्ट्रक्टर का डेटा हो, चाहे एडिशनल डेटा हो, चाहे कैटेगरी हो, चाहे रेटिंग रिव्यू हो, चाहे कोर्स कंटेंट हो, चाहे सब सेक्शन हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर विजिबल होने वाली है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? थोड़ी सी वैलिडेशन कर लेते हैं, आ जाओ थोड़ी सी वैलिडेशन कर लेते हैं, आ जाओ चलना यार। हमने क्या बोला कि मान लो कोर्स डिटेल में कुछ आया ही नहीं, मान लो कोर्स डिटेल्स के अंदर कुछ आया नहीं, या फिर मैंने बोला ठीक है कोर्स डिटेल में कुछ नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने रिस्पांस रिटर्न कर दिया। मैंने बोला रिस्पांस डॉट स्टेटस 400.json.json, आपने बोला सक्सेस फॉल्स, और आपने बोला मैसेज, आपने बोला could not find the course, could not find the course with course ID this। इसका आपने किया कट, इसका आपने लगाया backticks, इसका आपने किया पेस्ट, बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने मैसेज एड कर दिया और एट द एंड आपने सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json सक्सेस ट्रू मैसेज कोर्स डिटेल्स फेच्ड सक्सेसफुली, और हमने यहाँ पर डेटा के अंदर क्या पास कर दिया, जो भी कोर्स की डिटेल्स थी वो पास कर दी, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने रिस्पांस पास कर दिया सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम अपना एरर कैच कर रहे हैं। लेट से मैंने यहाँ पे बोल दिया जो भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ नींद में है क्या, ठीक है, एरर को आपने यहाँ पे लॉक कर दिया और आपने रिटर्न कर दिया अपने रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500.json, आपने बोला सक्सेस और आपने बोला मैसेज, बढ़िया। तो इस प्रकार आपने इस हैंडलर फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है यार, आपने बस एक फाइंड कॉल करी है, आपने आईडी के द्वारा फाइंड आउट कर लिया अपने डेटा को, और जो भी डेटा आपका आया है वहां पे आपने सारी ऑब्जेक्ट आईडीज को रिप्लेस करवा दिया है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा के साथ, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा के साथ आपने रिप्लेस करवा दिया है ऑब्जेक्ट आईडीज को। क्या ये सब आपने कंप्लीट कर लिया था? क्या ये खुद से कर लिया था? क्या आप खुद से कर पा रहे थे? क्या आप खुद से कर पा रहे थे दोस्त? भैया आपने इतने कॉन्फिडेंस से कोड कैसे लिख दिया, गलती क्यों नहीं होती? क्योंकि टेस्टिंग नहीं करी अभी क्योंकि टेस्टिंग नहीं करी अभी, अभी टेस्टिंग करेंगे गलती निकलेगी इसके अंदर से, अभी टेस्टिंग करेंगे गलती निकलेगी इसके अंदर से, टेस्टिंग करेंगे अभी, इतना अच्छा नहीं हूं मैं। ठीक है, डेवलपमेंट है, डीएसए नहीं है, डेवलपमेंट में गलती होती है, अभी निकलेगी गलतियां, 50 गलतियां निकलेगी इसी कोड के अंदर से, अभी अभी करेंगे इसको हम टेस्टिंग फिर करेंगे। तुम तो हीरो मान लिए मुझे, ऐसे थोड़ी हूं, डेवलपमेंट है, यहाँ पे सबसे गलती होती है, यहाँ पे कोई चैंप नहीं है। चलो ऐसे आती है गलती, अरे हाँ ये तो रह गया, अरे ये तो कितनी बेसिक चीज थी यार ये वाली, तो ऐसे करके चलेगा अभी। हाँ इस बात का कॉन्फिडेंस है मुझे, गलती होगी, एक्सपीरियंस ना भाई, एक्सपीरियंस पता है गलती होगी, कुछ ना कुछ कर देंगे, कुछ ना कुछ पक्का होगी इसमें, तो भी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी निकलेगी भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी मेजोरिटी जो मिस्टेक्स होती है स्पेलिंग मिस्टेक ही होती है। चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा जी आगे इसके आगे मैंने क्या बोला, इसके आगे मैं चाहता हूँ कि रेटिंग एंड रिव्यू करके एक कंट्रोलर है वो मुझे क्रिएट करना है, तो फटाफट से वो कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर दी, इसका नाम रख दिया मैंने रेटिंग एंड रिव्यू कंट्रोलर, बहुत बढ़िया। तो हमने ये कंट्रोलर बना दिया, ठीक है जी, ठीक है जी, विजिबल है ना स्क्रीन भाई साहब? क्या हो गया, तुम हंस लो पहले, तुम हंस लो, तुम पहले जोक बना लो, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक घंटे में फ्री कर दूं, फिर तुम जिंदगी के मजे लो, रिवाइज करो, चिल करो, डेट पे जाओ, ऐश करो, पढ़ाई करो, नाचो गाओ, सो जाओ, तो
तुम चाहते हो मैं ना जाऊँ 1 घंटे में, अब देख लो भाई, मैं सोच के आता हूँ रोज 1 घंटा बढ़ा दूंगा उसके भाग जाऊंगा, पर वो तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा है। चलो चलो रेटिंग एंड रिव्यू की बात करते हैं, रेटिंग एंड रिव्यू की बात करते हैं फटाफट। हमने बोला कि यहाँ पर मुझे रेटिंग एंड रिव्यू वाले मॉडल की नीड भी पड़ेगी, मैंने बोला यहाँ पर रेटिंग एंड रिव्यू वाले मॉडल की नीड पड़ेगी, फटाफट से उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। हमने बोला मॉडल स्लैश रेटिंग एंड रिव्यू, बढ़िया मॉडल इम्पोर्ट कर लिया है, हमें यहाँ पर कोर्स के मॉडल की नीड भी पड़ेगी। ना 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 चल जा भाई, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने ये कोड्स का मॉडल भी ले लिया है, और चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला यहाँ पर जो मैं हैंडलर फंक्शंस क्रिएट करना चाहता हूँ, फटाफट से इसके आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसके आगे बढ़ते हैं। ये भी होमवर्क दिया था शायद हमने आपको, आई थिंक ये भी होमवर्क दिया था आपको, यस और नो मित्रों, दिया था कि नहीं? हमने आपको बोला था कि इस रेटिंग वाले कंट्रोलर को भी आपको कंप्लीट करना है, इसके अंदर कौन कौन से हैंडलर फंक्शन आपको होमवर्क में दिए थे हमने। एक हमने कहा था आपको क्रिएट रेटिंग, आपको क्रिएट रेटिंग एंड रिव्यू करना है, खुद से एक रेटिंग क्रिएट करनी है। सेकंड हमने आपको कहा था कि एवरेज रेटिंग फाइंड आउट, मुझे कैसे पता लगा एवरेज रेटिंग निकालनी है, ये तो रट्टा हुआ भैया, आप तो हमसे रट्टा लगवा रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम गए हमारे यूआई पे, ये रहा हमारा यूआई, इस यूआई में हम गए हमारी फिग्मा फाइल में, ये रही हमारी फिग्मा फाइल, और अगर मैं फिग्मा फाइल में जाऊं, अरे भाई ये कैसे चला गया, अगर मैं इस सिग्मा फाइल में जाऊं, लेट से मैंने आप लिख दिया 75%, अरे यार ये तो मजा खराब हो गया, ये पता नहीं कौन सा खोल दिया मैंने यार, ये वाला दूसरा खोल लेते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड था इसमें, कम से कम ब्लैक ही था क्या, मुझे लगा व्हाइट था। ठीक है तो हम चलते हैं फटाफट हमारे कोर्स पेज पे, कोर्स पेज पे क्या हम सब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इस कोर्स की एक एवरेज रेटिंग होगी, क्या ये 4.5 इस कोर्स की एवरेज रेटिंग नहीं होगी, क्या ये 4.5 इस कोर्स की एवरेज रेटिंग नहीं होगी, बिल्कुल होगी, दैट्स व्हाई हमें एवरेज रेटिंग की नीड पड़ रही है, हमें एक रेटिंग क्रिएट करनी है। एक बच्चा कोई रेटिंग अपने एंड से देना चाहता है, हर यूजर की एक रेटिंग होगी वो भी हम कर सकते हैं, और एक बच्चे ने क्या रिव्यूज लिखे हैं, देखो इस बच्चे ने कोडी फिशर ने ये रिव्यू लिखा है, ये रेटिंग दी है, ईशर हाउ जो भी नाम है इसका, इसने ये रेटिंग दी है, रिव्यू लिखा हुआ, राइट। तो इस प्रकार से हम लेट्स से सारे के सारे रेटिंग रिव्यू लेना चाहते हैं तो गेट रेटिंग एंड रिव्यू करके हैंडल फंक्शन लिख दिया, एवरेज लेना चाहते हैं गेट एवरेज रेटिंग लिख के हमने हैंडल फंक्शन लिख दिया, और कोई एक यूजर रेटिंग रिव्यू क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है तो शुरू करें, तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास 3 टारगेट हैं, हमने बोला जी पहला टारगेट जो है वो है, हमने बोला पहला टारगेट है क्रिएट रेटिंग, और सेकेंड टारगेट है मेरे पास गेट एवरेज रेटिंग, और थर्ड टारगेट है हमारे पास गेट ऑल रेटिंग। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपने रेटिंग रिव्यू दोनों की बात ही हो रही है, मैंने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन के अंदर रेटिंग लिखा हुआ है, पर रिव्यू भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे हम। ठीक है, अगेन यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई और हैंडलर फंक्शन भी आ रहा हो कि भैया इसकी नीड भी पड़ेगी, मैं किसी भी एंगल से आपको मना नहीं कर रहा कि मत बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लिखो, शुरू करो, अपने एंड से बनाओ। ठीक है, अच्छा डेवलपर तभी बनोगे जब जो भैया ने सिखाया उसके अलावा एक दो चीज खुद भी एडिशनल बनाओगे स्क्रैच से, तब आएगा मजा। ठीक है, ये बात है। चश्मा पहन के इंसान चश्मा उतार के बहुत गंदा लगता है, चश्मा पहना हुआ इंसान उठा ऐसे खाली खाली से लग रहा है, पहना था अब अच्छा लग रहा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट। हमने कहा कि हम रेटिंग क्रिएट करना चाहते हैं, बताओ मित्रों रेटिंग क्रिएट कैसे करते होंगे, चलो आ जाओ फटाफट से। इसके लिए हम एक फंक्शन लिख देते हैं क्रिएट, मेरी जो टाइपिंग खराब हुई है ना इस कोर्स के अंदर, इतनी गंदी थी नहीं वैसे, फिर बता रहा हूँ सही में नहीं थी, या तो इसमें हुई है या तो डीएसए वाले में हुई है, पर हुई है, इतनी गलतियां कर ली मैंने जीवन के अंदर टाइपिंग में जितनी मैंने जीवन में नहीं करी, उतने इस कोर्स में करके बैठे। बढ़िया, तो हमने क्रिएट रेटिंग नाम के यहाँ पे एक क्रिएट कर लिया है हैंडलर फंक्शन, अब मुझे बताओ उसके लिए तुम क्या 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 स्टेप चाहते हो, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे मुझे रेटिंग एंड रिव्यू क्रिएट करने, बताओ। अगेन वही पुरानी चीज है, सबसे पहले डेटा फेच करो भाई, सबसे पहले डेटा फेच करो, यस और नो जल्दी से बताओ, सबसे पहले डेटा फेच करना पड़ेगा, किसका डेटा फेच करोगे और कहां से डेटा फेच करोगे, मैंने कहा रिक्वेस्ट के अंदर से देख लो कोई डेटा आ रहा है क्या, अच्छा तुम किस रेटिंग दोगे, किस चीज को रेटिंग दोगे,
किस चीज को रेटिंग दोगे ये बताओ, किस चीज को रेटिंग दोगे? देखो यूआई पे सोचो एक बार क्या हो रहा होगा, तुम रेटिंग रिव्यू कैसे दे रहे होगे? सोचो फटाफट एक बार, एक बार आंखें बंद करो, 10 सेकंड का पॉज लो, सोचो कैसे दे रहे होगे। कोई कोर्स का पेज खुला पड़ा होगा और तुम वहां पे नंबर ऑफ स्टार्स पे क्लिक कर रहे होगे कि 4-5 में से कितने स्टार देने, और वो स्ट्रिंग टाइप करके सबमिट कर रहे होगे, ऐसा कुछ होगा। तो तुमने एक रेटिंग दी है, तुमने एक रिव्यू दिया है, और तुमने किसी कोर्स को दिया है, तो क्या मेरे पास तीन चीज आ गई? रेटिंग का कंटेंट, रिव्यू का कंटेंट और कोर्स आईडी, तीन चीजें आ गई, बहुत बढ़िया। और किसने दिया है, वो यूजर कहाँ, वो लॉग इन तभी दे पा रहा है, अगर यूजर लॉग इन तभी दे पा रहा ना भाई, तो वो यूजर की आईडी भी चाहिए मेरे को। तो ये चार चीजें फटाफट लेके आओ। तो मैंने पहला स्टेप क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया जी पहला स्टेप मेरे पास आ गया गेट यूजर आईडी, दूसरा स्टेप मेरे पास आ गया फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट की बॉडी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो एक बार, वो जो यूजर कमेंट करने की कोशिश कर रहा है वो कोर्स के अंदर है कि नहीं है। मान लो उसने तुम्हारा वो कोर्स लिया नहीं है, उस कोर्स के बारे में बातचीत कर रहा है ना बेटा ना, ये रेटिंग रिव्यू है, यहाँ पर तुम क्वेरी नहीं पूछोगे मुझसे कि भैया ये वाला कोर्स सस्ता होगा क्या, ये रेटिंग रिव्यू है, चेक करके आओ फटाफट कि बच्चा एनरोल्ड है कि नहीं है। मैंने बोला चेक इफ यूजर इज एनरोल्ड और नॉट, ठीक है। एक चीज और हो सकती है, क्या पता, गोली मार दू बच्चों को जाके नीचे। हाँ तो एक चीज और हो सकती है, एक चीज और हो सकती है, क्या पता उस बच्चे ने पहले से रिव्यू दे रखा हो, क्या पता बच्चे ने पहले से रिव्यू कर रखा हो और हम एक ही बार अलाउ कर रहे रिव्यू करने का, बार बार मत बता भाई, एक बार बता सही है गलत है, बार बार नहीं, दो बार तो लिखेगा, फिर बाहर का नया बच्चा आएगा वो स्क्रीनशॉट लेगा, बोलेगा बब्बर ने पैसे लेकर रिव्यू लिखवाए, दो दो बार लिखवा रहा है एक बच्चे से, एक ही बार, नो रिपीटेशन, क्या बात समझ में आती है? चलो तो हमने बोला बेटा चेक कर लो कि यूजर ने ऑलरेडी रिव्यू ना कर रखा हो, रिव्यूड द कोर्स, ठीक है। चलो ये सारी कहानी होगी, बच्चे ने रिव्यू भी नहीं कर रखा, बच्चा एनरोल्ड भी है कोर्स में, अब क्या करूं, अब क्रिएट कर दो भाई रेटिंग, अब रेटिंग रिव्यू क्रिएट करो। तो मैंने बोला क्रिएट कर दो भाई, इसके बाद करो, इसके बाद क्या करो, मैंने रेटिंग रिव्यू क्रिएट कर दी, तो ये रेटिंग रिव्यू वाले मॉडल के अंदर चली गई। अब जब मैं एक नई रेटिंग रिव्यू क्रिएट करता हूँ, रेटिंग रिव्यू वाले मॉडल के अंदर चली गई, चलो ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसको अटैच करना भाई कोर्स के साथ, किसी किसी कोर्स के ऊपर करिए ना तूने ये, तो कोर्स वाले मॉडल में ऐड कर, कोर्स वाले मॉडल में ऐड कर इसको। तो तुमने बोला कि अपडेट करना पड़ेगा कोर्स को, जिस भी कोर्स के ऊपर तुमने करिए ना ये, तो उस कोर्स को भी अपडेट कर इस रेटिंग रिव्यू के साथ, ठीक है जी। वही पुरानी चीजें आपस में रिलेटेड है ना भाई, आपस में रिलेटेड है ना, आपस में रिलेटेड है ना ये रेटिंग एंड रिव्यू एंड कोर्स। तो जब भी एक नई रेटिंग रिव्यू करोगे तो रेटिंग रिव्यू वाले यार, तो जब भी एक नई रेटिंग रिव्यू करोगे तो वो एक रेटिंग रिव्यू वाले कलेक्शन के अंदर भी स्टोर होगी और कोर्स वाले कलेक्शन के अंदर भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एट द एंड सब कुछ हो चुका है, आपने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मुझे दो एक सेकेंड, क्योंकि एक फोन करने के लीड है, ऐसे बात बनेगी नहीं है ना बेटा, तो गिव मी वन सेकेंड। ठीक है जी, तो फटाफट से एक बार कोड करना शुरू करें भाई लोग। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना मेरी, स्क्रीन विजिबल है भाई साहब। चलो तो बढ़िया, आप कोड करना शुरू करें भाई, सारे स्टेप्स हमने लिख लिए, हम चेक करेंगे यूजर कौन कमेंट कर रहा है, किस कोर्स पे कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, क्या रेटिंग दे रहा है, चेक कर लो यूजर पहले से एनरोल्ड है कि नहीं है कोर्स में, जो एनरोल्ड है उसी को मैं ये इजाजत दूंगा कि भाई वो इस कोर्स पर रिव्यू कर पाए, कोई एनरोल्ड नहीं है तो उसका मैं भगा दूंगा कि भाई तू रिव्यू नहीं कर सकता इसको, जब तूने खरीदा ही नहीं तो रिव्यू कैसे करता है भाई, बिना ही बात के हैं, दूसरी गैंग का है गया, उसका चेक किया कि तुमने यूजर ने पहले से रिव्यू तो नहीं कर रखा, अगर पहले से रिव्यू कर रखा तो फिर से अलाउड नहीं करेंगे उसको, क्योंकि एक यूजर को एक ही रिव्यू अलाउड है, ऐसा कुछ कुछ। और एट देन अगर ये सब कुछ है तो एक नई रिव्यू क्रिएट करो, उस कोर्स उस रिव्यू को कोर्स के अंदर भी अपडेट करो, एंड डन, बाय, यू कैन गो। बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है?
क्या बात समझ में आती है? चलो फटाफट से कोड करते हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने बोला यूजर आईडी निकाल लो भाई साहब, यूजर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। अच्छा ये बताओ इस रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ये यूजर आईडी कैसे आई और हमने कहां पर डाली थी? भैया हमने हमारे मिडलवेयर में, ऑथ वाले मिडलवेयर के अंदर हमने इसको रिक्वेस्ट के साथ लिंक किया था। किसको लिंक किया था? एक पेलोड था जो कि हमने लॉगिन करते हुए अटैच किया था हमारे टोकन के साथ। हमने ऑथ वाले मिडलवेयर के अंदर उस टोकन को डिटैच किया और वहां से एक पेलोड निकाला, उस पेलोड को हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर दिया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर दिया और वहां से हम इसको फेच कर पा रहे हैं। बढ़िया, आगे हम चलते हैं। हम डेटा निकाल रहे हैं रिक्वेस्ट की बॉडी में से। मैंने कहा कि मेरे पास जो है तीन प्रकार की चीजें आ रही है, मेरे पास रेटिंग आ रही है, मेरे पास रिव्यू आ रहा है और मेरे पास कोर्स की आईडी आ रही है, ठीक है। हमने ये चीजें ले ली सारी की सारी रिक्वेस्ट की बॉडी में से। बहुत बढ़िया, मैंने कहा चेक करो यूजर पहले से एनरोल्ड तो नहीं है, एक बार चेक कर लो क्या यूजर पहले से एनरोल्ड तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम आए यहाँ पर कोर्स की डिटेल फटाफट चेक कर रहे हैं। हमने बोला कॉन्स्ट कोर्स डिटेल्स, हमने बोला विल बी इक्वल टू अवेट कोर्स डॉट फाइंड वन, और हमने यहाँ पर बोला किस बेसिस पे फाइंड आउट करोगे बेटा? हमने बोला आईडी के बेसिस पे, हमने बोला आईडी के बेसिस फाइंड आउट करेंगे, जो आईडी है वो इस कोर्स आईडी के इक्वल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। हमने कोर्स की डिटेल फाइंड आउट कर ली, इस कोर्स की सारी डिटेल फाइंड आउट कर ली। अब हम चेक करना चाह रहे हैं क्या इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड स्टूडेंट के अंदर ये यूजर रजिस्टर करता है कि नहीं करता। तो हमने बोला स्टूडेंट्स, क्या नाम है यार, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऐसा नाम है। वापस आते हैं रेटिंग रिव्यू पे। तो हमने कहा हम एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं, एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। इसको हटाना चाहिए इनको भी, तो हमने कहा जी इसको भी इस प्रकार कर लेते हैं। हमने कहा कि फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स एनरोल्ड के अंदर ये एलिमेंट मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं बोला एलिमेंट मैच, कौन सा एलिमेंट मैच करने की कोशिश कर रहे हैं? इक्वल ऑपरेटर का यूज किया। हमने बोला जी इक्वल ऑपरेटर चेक कर लो फटाफट, कौन सा यूजर आईडी, अगर ऐसी कोई यूजर आईडी वहां पर एग्जिस्ट करती है, अगर ऐसी कोई यूजर आईडी वहां पर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब वो यूजर एनरोल्ड है उस कोर्स के अंदर। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार हमने फाइंड आउट कर लिया। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मेरे पास इससे आसान तरीका है फाइंड आउट करने का कि यूजर कोर्स के अंदर है कि नहीं। मैं बिल्कुल मान जाऊंगा आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहे होंगे तरीके, ठीक है, पर कोई बात नहीं। तुम्हें वो तरीका आता है क्योंकि तुमने इस कोर्स में सीखा था, या फिर तुम्हें पहले से आता होगा, तुमने एक और नया तरीका सीख लिया कि ऐसे एलिमेंट मैच नाम का एक ऑपरेटर होता है, अब हमें घर जाके ये स्टडी करना है। ऐसे इक्वल नाम का एक ऑपरेटर होता है, अब मैं घर जाके ये स्टडी करूंगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास और डिफरेंट डिफरेंट तरीके आ गए। तुमने बेसिकली क्या किया है, तुम कोर्स के अंदर गए हो, तुमने कोर्स के अंदर से इस कोर्स आईडी का कोर्स ढूंढ लिया। अब हर एक कोर्स के अंदर सारी यूजर आईडीज पड़ी हुई हैं जो कि एनरोल्ड वाले स्टूडेंट्स को दर्शाती है। तो मैंने चेक कर लिया ये वाली यूजर आईडी उस कोर्स के अंदर पड़ी है कि नहीं पड़ी, ये मेरा सर्चिंग क्राइटेरिया मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे पास कोर्स की डिटेल्स आ गई, इस प्रकार मेरे पास कोर्स की डिटेल्स आ गई। और मैंने क्या बोला कि लेट से मुझे कोर्स, अगर इस प्रकार मैंने बोला कि लेट से मुझे कोई डेटा ही नहीं मिला, तो लेट से मुझे कोई डेटा नहीं मिला तो बेटा रिस्पॉन्स रिटर्न करो ना, रिस्पॉन्स रिटर्न करो 404.json। पूरे पैकेट में 404.json ही कर रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। मैसेज के अंदर हमने क्या लिखा, मैसेज के अंदर हमने लिखा स्टूडेंट इज नॉट एनरोल्ड इन दी कोर्स, करना पड़ता है। चलो पहला काम डन। अब हम चेक कर रहे हैं क्या यूजर ने पहले से रिव्यू तो नहीं कर रखा कोर्स को, बताओ दोस्त इसके इसके लिए क्या लॉजिक लिखना चाहिए? अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरे यूजर ने पहले से रिव्यू तो नहीं कर रखा, तो उसके लिए क्या करूं, क्या करूं? कुछ भी नहीं, आपको जाना है रेटिंग रिव्यू वाले कलेक्शन के अंदर, वहां जाके चेक कर लो ये वाली यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये वाली यूजर आईडी और ये वाली कोर्स आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। दो चीजें चेक कर रहे हैं आपको बस, कि क्या ये वाली यूजर आईडी कोर्स आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, अपने रेटिंग रिव्यू वाले कलेक्शन के अंदर चेक कर लो फटाफट जाके, ठीक है। तो चलो फटाफट लिखते हैं इसको। हमने लिखा जी कॉन्स्ट ऑलरेडी रिव्यूड इज इक्वल्स टू अवेट रेटिंग एंड रिव्यू, और इसमें हमने बोला जी हमें फाइंड वन करना है किस आधार पे, किस आधार पे, आधार हमारा वही है आधार वाला। तो हमने बोला कि यूजर जो है मेरा वो ऐसा है, यूजर आईडी, एंड जो मेरा कोर्स है उसकी आईडी यहाँ पर बता दी मैंने।
बढ़िया, अगर इन दोनों डेटा के साथ मेरे पास वहां पर कोई भी एंट्री पड़ी हुई है, अगर इन दो डेटा के साथ मेरे पास वहां पर कोई भी एंट्री पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि यूजर पहले से रिव्यू कर चुका है इस कोर्स को, राइट। अगर कोई भी एंट्री के अंदर सेम कोर्स आईडी, सेम यूजर आईडी पड़ी है, तो कॉमन सेंस की बात है, यूजर रिव्यू कर चुका है उसको। मानते हो नहीं मानते हो? रिव्यू कर चुका है, रिव्यू कर चुका है पहले से। और अगर पहले से रिव्यू कर चुका है, तो फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे उसको बोल देना है कि भाई साहब, आप दोबारा रिव्यू नहीं कर पाओगे आप। मैंने बोला इफ ऑलरेडी रिव्यूड, तो इस केस में रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403 डॉट जेसॉन। आपने बोल दिया सक्सेस, फॉल्स, मैसेज, मैसेज के अंदर आपने लिख दिया कोर्स इज ऑलरेडी रिव्यूड बाय द यूजर, ठीक है। तो आपने ये भी चेक कर लिया। एट द एंड हमने क्या किया है, ओहो ये हमें ऊपर लिखना था यार, ठीक है। अब हमें यहां पर क्रिएट करना है रेटिंग और रिव्यू। बताओ भाई क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बताओ मित्रों कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या तरीका है मेरे पास क्रिएट करने का? बहुत सिंपल तरीका भैया, आप चाहो आप सेव का कॉल, सेव कॉल यूज कर लो, आप चाहो क्रिएट कॉल यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लो, दोनों तरीके पर यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो आप अपना वही मेन तरीका क्रिएट वाला उससे ही कर लेते हैं। मैंने बोला रेटिंग रिव्यू, इसका नाम मैंने रख दिया, मैंने बोला अवेट रेटिंग एंड रिव्यू, और मैंने यहाँ पर क्रिएट का यूज कर लिया। और मैं क्या क्या डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या क्या डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं ये रेटिंग इंसर्ट करना चाहता हूँ, रेटिंग इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं रिव्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, और क्या क्या होता है इसके अंदर, रेटिंग होती है, रिव्यू होता है, कोर्स होता है, और यूजर होता है, ठीक है जी। तो हमने बोल दिया रेटिंग ये रही, रिव्यू ये रहा, और कोर्स, कोर्स के अंदर आपने कोर्स की आईडी पास कर दी और आपने यूजर पास कर दिया, यूजर के अंदर आपने यूजर की आईडी पास कर दी, बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने एक नया रेटिंग रिव्यू, एक नया रेटिंग रिव्यू क्रिएट कर दिया, आपने एक नया रेटिंग रिव्यू क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, इस नए रेटिंग रिव्यू को मुझे कहां पर अपडेट करना है, इस नए रेटिंग रिव्यू को मुझे कहां पर अपडेट करना है, इसको मुझे अपडेट करना है, इसको मुझे अपडेट करना है कहां पे, कोर्स पे। चलो तो फटाफट से कोर्स पे इसको अपडेट करते हैं। हमने क्या बोला, वेट कोर्स डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। हमने बोला किसके द्वारा इसको फाइंड करेंगे, मैंने बोला कोर्स आईडी के द्वारा इसको फाइंड आउट करो। और क्या अपडेट करना चाहते हो, मैंने बोला अपडेट, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा टाइम दो हमको, ये लो। तो हमने बोला कि हम पुश ऑपरेटर का यूज करेंगे, पुश ऑपरेटर का यूज करेंगे कुछ भी इंसर्ट मुझे करना है तो। और मैं क्या पुश करना चाहता हूँ, मैंने बोला मैं रेटिंग एंड रिव्यूज के अंदर इस रेटिंग रिव्यू को जो मैंने क्रिएट किया है इसको पुश करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको पुश कर लिया, मैंने इसको पुश कर लिया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने इसको फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर दिया। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर दिया मैंने इसको, और मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे क्या करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए मुझे? कोर्स डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर बनी पड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया। इस कोर्स डिटेल्स को फाइंड बाय अपडेट, बढ़िया। तो क्या कहानी समझ में आती है, न्यू ट्रू भी कर सकते हैं दोस्त, न्यू ट्रू भी कर सकते हैं। अंडरस्कोर आईडी भी कर सकते हैं, करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने बोला जी अंडरस्कोर आईडी, कोर्स आईडी। और बताओ, और बताओ, और बताओ। अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है, एक मिनट रुको सोचते हैं हमने क्या किया है। हमने बोला फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो आपने इस कोर्स आईडी के द्वारा, इस कोर्स आईडी के द्वारा इस कोर्स को फाइंड आउट किया कलेक्शन में से, ठीक है। आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, और आपने क्या पुश किया इसके अंदर, आप क्या पुश करना चाहते हैं चेक करते हैं। कोर्स के अंदर गए, कोर्स के अंदर रेटिंग रिव्यूज में आप क्या पुश करते हो, ऑब्जेक्ट आईडी पुश करते हो। तो हमने यहाँ पर रेटिंग भी लिखा, हमने यहाँ पुश क्या कर दिया, रेटिंग रिव्यूज, रेटिंग रिव्यू डॉट, यहाँ पे आईडी डालना चाहिए ना हमें, यहाँ पे आईडी डालना चाहिए ना हमें, बढ़िया। तो हमने यहाँ पर डॉट अंडरस्कोर आईडी लगा दिया, तो हमने यहाँ पर ये आईडी पुश कर दी। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है।
इतनी कहानी हमें समझ में आई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसके बाद, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैंने फटाफट से अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। मैंने बोला रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन, और मैंने क्या बोल दिया, सक्सेस ट्रू एंड मैसेज, आपने बोला जी रेटिंग एंड रिव्यू सक्सेसफुली दिया, और आपने यहाँ पर अपना रेटिंग रिव्यू भी पास कर दिया। बढ़िया, कैच के अंदर आए, हमने यहाँ पर अपना कंसोल लॉक कर दिया एरर को, और मैंने कहा जी रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसॉन सक्सेस। बढ़िया, तो इस प्रकार से हमने पूरा पूरा लॉजिक राइट डाउन कर लिया। हमने कहा कि हमें यूजर आईडी चाहिए, हमें पूरा रेटिंग रिव्यू कोर्स आईडी चाहिए, हमने चेक किया क्या कि यूजर पहले से एनरोल्ड तो नहीं है, अगर एनरोल्ड है, अगर एनरोल्ड नहीं है तो उसको भगा दो भाई साहब, पहले एनरोल करो उसके बाद रेटिंग रिव्यू ऐड करने आना। एक बार चेक कर लो कि यूजर ने पहले से रिव्यू तो नहीं कर रखा, अगर पहले से रिव्यू करेगा तो उसको भगा दो कि भाई आप ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हो, दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते। अगर नहीं कर रखा, पहली बार रिव्यू करना है तो नया रेटिंग रिव्यू क्रिएट करो, उस नए रेटिंग रिव्यू को अपडेट कर देना कोर्स के अंदर। और हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने बोला जी कौन अपडेटेड कोर्स डिटेल्स, ठीक है, तो हमने इसको एक बार कंसोल लॉग भी कर दिया, कभी नीड पड़ जाए इसके तो रख लेंगे। हमने क्या बोला तो चलना यार, क्या हो गया इसको आज, बहुत टाइम ले रहा है ये अपडेटेड अपडेटेड कोर्स डिटेल। हमने इसको लॉक कर लिया और कहानी खत्म, और कहानी खत्म, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने क्रिएट रेटिंग रिव्यू वाला काम कर लिया। अब आएगा बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है गेट एवरेज रेटिंग वाला, जहां पे आप एग्रीगेशन सीखेंगे, कैसे आप क्वेरीज को एग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को ऑर्डर वाइज अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप मल्टीपल एंट्रीज को ग्रुप कर सकते हैं बेसिस ऑन सम क्राइटेरिया। बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी प्यारी चीज, ठीक है। गेट एवरेज रेटिंग, इसके बारे में सीखने वाले। चलो, तो मैंने बोला यहां पर हमने फटाफट से हमारा गेट एवरेज रेटिंग वाला, फटाफट से हमारा गेट एवरेज रेटिंग वाला हैंडलर फंक्शन क्रिएट कर लिया। हमने बोला जी गेट एवरेज रेटिंग ठीक है जी, बढ़िया। अब मित्रों मुझे फटाफट से एक बार ये बता दो, मुझे फटाफट से एक बार ये बता दो कि मुझे क्या लॉजिक लिखना चाहिए, मुझे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या लॉजिक लिखना चाहिए, कैसे मैं एवरेज रेटिंग निकालूं, कैसे मैं एवरेज रेटिंग निकालूं। अगेन, इनपुट में मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, इनपुट में मेरे पास क्या होना चाहिए। पहली बात, मैं रेटिंग किसकी निकाल रहा हूं, मैं कोर्स की रेटिंग निकाल रहा हूं, तो कोर्स की रेटिंग के लिए मुझे क्या आइडेंटिफायर की नीड है भाई। इनपुट है मेरे को, बस तुम कोर्स की आईडी दे दो, मुझे बस तुम कोर्स की आईडी दे दो। तो मैंने बोला गेट कोर्स आईडी, कोर्स आईडी अगर निकल गया अब क्या करूं, अगर कोर्स की आईडी निकल गई फिर तो आसान है, डीबी से कॉल मारो, एग्रीगेशन करो और फटाफट से अपना रेटिंग निकालो। तो मैंने बोला सेकंड स्टेप तो बहुत आसान है, मैंने बोला जी कैलकुलेट एवरेज रेटिंग, बहुत बढ़िया। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, या तो तुम्हें रेटिंग मिल गई होगी या तो रेटिंग नहीं मिली होगी। नहीं मिली होगी मतलब मान लो किसी बच्चे ने अब तक को रेटिंग दी ही नहीं है उस कोर्स के ऊपर, अब क्या रेटिंग मिली हो, अब क्या रेटिंग ना मिली हो, तुम्हें एवरेज रेटिंग रिटर्न तो करनी है, तुम्हें रिटर्न तो करनी है दोनों ही केस के अंदर। मैंने बोला रिटर्न रेटिंग, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में। थ्री स्टेप प्रोसेस, काम खत्म। कोर्स वाले इनपुट में आ गया, तुमने डेटा कैलकुलेट कर लिया, तुमने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, खत्म, कहानी खत्म। पर इतनी आसान है नहीं, चलो आ जाओ तो फटाफट कोर्स आईडी निकालते हैं, फटाफट कोर्स आईडी निकालते हैं। हमने क्या बोला कि कॉन्स्ट कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कोर्स आईडी। लो जी आपकी कोर्स आईडी तैयार है। अब इसके आगे की कहानी यहां पर दिमाग लगाना है, मुझे मुझे एवरेज निकालनी है, मुझे एवरेज निकालनी है, ठीक है। मेरे पास ऐसे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, मेरे पास एवरेज ऑपरेटर भी अवेलेबल है, मेरे पास ऐसी एग्रीगेशन भी अवेलेबल है जहां पर मैं स्टेप बाय चीजें चला सकता हूँ। फटाफट देखते हैं कैसे कर सकते हैं चीजों को। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। चलो ठीक है, देखा मैंने कहा था ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी बहुत सारी, जानता हूं मैं अपने आप को।
हमने फटाफट बोला कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला जी कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट रेटिंग एंड रिव्यू के ऊपर आपने एक एग्रीगेट, आपने एग्रीगेट कॉल मारी जहां पर आपने कुछ स्टेप्स बता दिए। इस एग्रीगेट कॉल के अंदर आपने कुछ स्टेप्स बता दिए, उनके अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है। आपने कुछ स्टेप्स बताए हैं, आपने वो स्टेप्स यहाँ पर इसके अंदर डिफाइन कर दिए। ये मैंने अपना पहला स्टेप बता दिया यहाँ पर। मैंने बोला कि पहले इस क्राइटेरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग, पहले इस क्राइटेरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग आप मैचिंग करो। तो मैंने बोला जी यहाँ पर मैच ऑपरेटर का यूज करो। मैंने बोला यहाँ मैच ऑपरेटर का यूज मैंने किया, और क्या क्या तरीका लगाया मैंने मैच करने का। मैंने बोला ऐसा कोर्स मुझे फाइंड आउट करके दो, ऐसा कोर्स मुझे फाइंड आउट करके दो, मंगूस डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी कोर्स आईडी। मैंने बोला ऐसा कोर्स मुझे फाइंड आउट करके दो जिसकी कोर्स आईडी इसके इक्वल हो। तो मुझे ऐसा फाइंड आउट करके दो एक एंट्री, मुझे एक ऐसी एंट्री फाइंड आउट करके दो जिसकी कोर्स आईडी इसके इक्वल हो। क्या बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला, मुझे रेटिंग एंड रिव्यू के अंदर एक ऐसी एंट्री फाइंड आउट करके दो जिसकी जो मैच कर रही हो, जिसमें कोर्स की फील्ड के अंदर ये वाली आईडी पड़ी हो। मैंने कहा रेटिंग एंड रिव्यू वाले कलेक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या है, मुझे मैच करना है ऐसी एंट्री के साथ जिस एंट्री के अंदर कोर्स की की के अंदर कोर्स आईडी वाली वैल्यू पड़ी हो। अगेन, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने ये कहानी क्यों लिखी है यहां से यहां तक? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? रेफ नहीं, कहानी क्यों लिखी है मैंने, ये न्यू से लेके ऑब्जेक्ट आईडी तक की कहानी क्यों लिखी है? कोर्स आईडी स्टार्टिंग में स्ट्रिंग थी, आपने उसे कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर। आई थिंक लास्ट क्लास के अंदर भी हमने सेम चीज डिस्कस की थी, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा डन हो गया। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो हमने ऐसी एंट्रीज ढूंढ ली है, हमने ऐसी सारी की सारी एंट्रीज ढूंढ ली है जिनके अंदर कोर्स की वैल्यू ये कोर्स आईडी पड़ी हुई है। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज मेरे पास आ गई है, ठीक है। चलो ग्रुप करते हैं उनको। अब उन सभी को ग्रुप करके कोई एक कैलकुलेशन जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला इनको ग्रुप करते हैं फटाफट। तो मैंने बोला ग्रुप, तो मैंने ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप जो है किस बेसिस पे करना चाहते हो, किस बेसिस पे ग्रुप करना चाहते हो? मैंने ग्रुप, सॉरी गाइस, पता नहीं। जब हमें पता नहीं होता और हम एक सिंगल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वहां पे हम नल सेट करते हैं। तो हमने बोला कि मैं इस बेसिस पे ग्रुप करना चाहता हूं। तो यहां पर जब मैं कहता हूं कि मैंने आईडी को नल मार्क कर दिया, इसका मतलब क्या है, जितनी भी एंट्रीज मेरे पास आई थी मैंने सभी को एक सिंगल ग्रुप में रैप कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा अपने को मांगता है एवरेज रेटिंग निकालो। तो हमने यहाँ पे एवरेज रेटिंग की के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया। मैंने बोला यहां पर मैं यूज करूंगा एवरेज ऑपरेटर का AVG, और एवरेज ऑपरेटर मैंने यहां पर लगाकर एवरेज निकाल ली है सारी की सारी रेटिंग की। अगेन ये जो चीजें हैं सिंटेक्स वाइज बहुत डिफिकल्ट लग सकती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है सिंटेक्स वाइज। अगेन यहाँ पर जब हम कोड कर रहे हैं इन चीजों के अंदर, तो हम गूगल की हेल्प ले सकते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर पाए, कोई आइडिया हमें दे दें आप। क्या बात समझ में आती है? चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। चलो आ जाओ, हम चले गए यहाँ पे और हमने बोला जी मंगूज एग्रीगेट कॉल। चलो आ जाओ, documentation match group। देखो यहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है, यहां पर उन्होंने एग्रीगेट किया हुआ है, ये सारे स्टेप्स लगा रखे हैं। मैच कर रखा है कि स्टेटस आपका ए होना चाहिए, तो ऐसी एंट्रीज फाइंड आउट करके लाओ जहां पे स्टेटस आपका ए हो। फिर ग्रुप कर रखा है कस्टम आईडी के अकॉर्डिंगली, यानी डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे किसके बेसिस पे, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। और हर ग्रुप के अंदर आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, हर ग्रुप के अंदर आप टोटल फाइंड आउट कर रहे हो। और टोटल कैसे निकल रहा है, टोटल सम करके निकल रहा है, और सम किसका कर रहे हो, सम अमाउंट का कर रहे हो, राइट। तो सिंटेक्स में कहीं नहीं, मैं फिर दोबारा बोलूंगा दोस्त में कि ये रट्टा मारने की नीड नहीं है, तुम भूलते हो, भूल जाओ, ठीक है। अगेन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, पर सच तो सच है, तुम भूलते हो, भूल जाओ, एडमिन तुम आके गूगल पे वेरीफाई करोगे, ठीक है। एडमिन तुम आके गूगल पे वेरीफाई करोगे, विद टाइम तुम बहुत बार यूज कर लोगे, तुम्हें लिखना आ जाएगा, पर हाँ गूगल पे देखना कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। क्या बात समझ में आती है?
ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है यार। मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, ये जो कोड यहाँ पे लिखा मैंने पढ़ा भी नहीं था। मैंने तुम्हारे सामने देखा, अच्छा मैच कर रहे हैं इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, ग्रुप कर रहे हैं, अच्छा इन कस्टमर आईडी के बेसिस पे ग्रुप बना रहे होंगे, डिफरेंट बन सकते हैं, हर किसी कस्टमर आईडी ग्रुप के लिए टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल क्या है, सम ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, किसके ऊपर यूज कर रहे हैं, इस फील्ड के ऊपर यूज कर रहे हैं। आसान है, बहुत ज्यादा आसान, सॉर्ट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली। आई थिंक हम सॉर्ट माइनस वन पहले भी कर चुके हैं, किसी को याद है, किसी को याद है? अगेन यार, जो मैं तुम्हें कोड बता रहा हूँ, तुम्हें अगेन बैठ के गूगल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मैच ऑपरेटर क्या है, समझना पड़ेगा ग्रुप ऑपरेटर क्या है। अब मैं स्पून फीडिंग वाले फेज में नहीं हूँ ना, अब मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, अगर मैं स्पून फीडिंग करूंगा तो बात नहीं बन पाएगी। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा कहानी नहीं गाते, इतना काफी था। तो अब क्या हुआ, अब मैंने अपना ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है, अब मैंने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, एक बार चेक कर लो क्या रेटिंग मिली कि नहीं मिली। तो मैंने बोला अगर रिजल्ट डॉट लेंथ, अगर रिजल्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेटिंग मिल गई, इसका मतलब ये हुआ रेटिंग मिल गई। अगेन यहाँ पे मुझे क्या साफ साफ पता लग रहा है, मैं बताऊंगा आपको भी, ये जो रिटर्न करेगा आपको डॉट एग्रीगेट वाला फंक्शन, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एरर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, आप इसका इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देख लेना एक बार। तो आपने यहाँ पर रिटर्न करके रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपने यहाँ पे लिख दिया जी, स्टेटस कोड 200 कि आपको कुछ रेटिंग रिव्यूज मिल चुके हैं, और आपने बोला सक्सेस टू, और आपने बोला एवरेज रेटिंग, यहाँ सेंड कर देता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर। एवरेज रेटिंग आपने क्या भेज दी दोस्त, आपने बोला मुझे एग्रीगेट वाला फंक्शन एक एरे रिटर्न कर रहा है, तो मेरी जो वैल्यू है ना रिजल्ट के अंदर वो जीरो सेंटेक्स पे स्टोर हुई पड़ी है, जो मैं एवरेज रेटिंग निकाल रहा हूँ, तो वहां से मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। बढ़िया, तो इस प्रकार मैंने अपने रिस्पॉन्स के अंदर एवरेज रेटिंग को सेंड कर दिया। बढ़िया, ये वो केस है जहां पर रिव्यूज एग्जिस्ट करते हैं, बट मान लो एग्जिस्ट करते ही ना हो, तो इफ नो रेटिंग रिव्यू एग्जिस्ट, इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, अगर तुम्हारा रेटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती अब तक, सर रेट ही नहीं किया कोर्स को, तो क्या पास करोगे, तो जीरो, कॉमन सेंस, जीरो, ठीक है। तो आप यहां पर इसको जीरो पास कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या बोला, रिटर्न रिजल्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन, मैसेज ने बोला एवरेज रेटिंग जीरो, नो रेटिंग्स गिवन टिल नाउ, ऐसा अगर कुछ भी हमने डाल दिया, और हमने यहां पर हमारी एवरेज रेटिंग जो है वो पास कर दी जीरो। बढ़िया, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने पहले कोर्स आईडी फाइंड आउट करी, फिर हमने कुछ स्टेप्स थे उनको फॉलो किया, उन स्टेप्स को फॉलो करके हमारी जो भी एवरेज थी वो एवरेज हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने चेक किया अगर रिस्पॉन्स, अगर रिजल्ट जो है उसके लेंथ जीरो से ज्यादा है, यानी हमें पक्का कोई ना कोई रेटिंग मिली है, कोई ना कोई आंसर मिला है, तो आपने आंसर रिटर्न कर दिया, और अगर मान लो कोई रेटिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो जीरो रिटर्न कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है? 97 समझ नहीं आया, 97 पे तो ब्रैकेट है, 97 पे तो ब्रैकेट है भाई साहब, 96 पे आपने क्या किया है, रिस्पॉन्स के अंदर एक एवरेज रेटिंग नाम की फील्ड पास करी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने रिजल्ट के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसमें एवरेज रेटिंग की जो की है, जो आपने खुद से यहां पर क्रिएट की है, वो पास की है। इन शॉर्ट आपको एग्रीगेट फंक्शन जो है एक एरे एरे रिटर्न करेगा, एरे ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा। इस केस के अंदर हमें एक ही वैल्यू मिल रही है एंटायर एंटायर हमारे ऑपरेशंस के बाद, जिसका नाम है एवरेज रेटिंग। तो पहली वैल्यू हमारे जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो जीरो इंडेक्स से हमने उस वैल्यू को यहां पर रख लिया है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इस प्रकार से पोल ऑप्शन हटा दिया क्या भैया? नहीं भाई, पोल ऑप्शन अभी पड़ा हुआ है, हटाया, हटाना क्यों है, हटाना क्यों है, रीजन क्या होगा हटाने का? कोई रीजन नहीं है हटाने का। लास्ट फंक्शन के ऊपर आते हैं, इसका नाम है, जिसका नाम है गेट ऑल रेटिंग। मेरे पास कोई रेटिंग, मतलब मैं लिखा पे गेट ऑल रेटिंग रिव्यूज, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, रेटिंग भी आए, रिव्यू भी आए, सब कुछ ठीक है। अगेन यहाँ पर तुम किसी भी कोर्स के अंदर देखोगे नीचे बहुत सारे रेटिंग रिव्यू आ रहे होते हैं ना, कि भाई आकाश ने ये लिखा है कोर्स के बारे में, इतनी रेटिंग दी है, निपुण ने ये लिखा है कोर्स के बारे में, ये रेटिंग दी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग दे रखे, रिव्यू दे रखे। तो वो सारी की सारी रेटिंग्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, लेट्स तुम देखना चाहते हो सारे रेटिंग व्यू मोर पे क्लिक करके, तो तुम यहाँ पे तुम्हारे पास एक गेट ऑल रेटिंग नाम का
एक हैंडल फंक्शन है, तुम इसके द्वारा देख सकते हो। तुमने कहा एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल रेटिंग, चलो जी बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये गेट ऑल रेटिंग वाली गेम क्या होगी, कैसे आता होगा? अगेन ये गेट ऑल रेटिंग एंड रिव्यूज कर देता हूँ यार, तुम कंफ्यूज जाओगे नहीं तो, ये है इसका असली मतलब। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर हम क्या स्टेप्स लिखें। देखो भैया सिंपल सी बात है, एक फाइंड कॉल मारो, एक फाइंड कॉल मारो और जो आंसर आए उसे रिटर्न कर दो। क्या सिंपल नहीं है? फाइंड कॉल मारो, जो आंसर आए रिटर्न कर दो, कहानी खत्म, अपने अपने घर जाओ। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, पर फाइंड किस बेसिस पे करें? मैंने कहा किसी बेसिस पे ना करें, किसी बेसिस पे ना करें, कोर्स आईडी। मैंने क्या बोला? गेट ऑल रेटिंग रिव्यू। यहाँ पे कोर्स स्पेसिफिक तो बात ही नहीं करी, मैंने बोला गेट ऑल रेटिंग, सारी लेके आ जाओ, सारी लेके आ जाओ। ठीक है, पर कोर्स स्पेसिफिक भी तुम बात सही कर, वैसे वो भी कर सकते हैं। चलो एक होमवर्क में लिखो कि तुम्हें कोर्स आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, कोर्स आईडी के कोरस्पॉन्डिंग रेटिंग रिव्यू सारे के सारे लेके आने। ठीक है, अभी हम हमारा ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, आई थिंक थोड़ा सा मैं गलत डेफिनेशन आपको बताई। अभी हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन सारी की सारी जो भी रेटिंग रिव्यू एग्जिस्ट करती है सब उठा लाएगा, सब उठा लाएगा। तो ये फंक्शन सारी की सारी रेटिंग भी उठा के ला रहा है। पर लेट्स से तुम सिर्फ कोर्स आईडी वाला लाना चाहते हो, तुम वो भी कर सकते हो। मैं जैसे ये वाला इंप्लीमेंट करता हूँ जेनरिक, तो तुम कोर्स आईडी स्पेसिफिक इंप्लीमेंट करना चाहो वो भी कर पाओगे। शुरू करें, शुरू करें भैया। पर ये गलत नहीं हो जाएगा? गलत क्यों होगा? मान लो तुम कोड हेल्प के पेज पे गए हो। चलो आओ कोड हेल्प के पेज पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे शायद हमने सेम कर रखा होगा। तो हम गए नीचे, ये देखो आ नहीं रहा, देखो ये देखो डीएसए बैच, डीएसए कोर्स, इंटरव्यू बैच, रिकर्जन बैच, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो दोस्त? ऐसे यहाँ पे सारे कोर्सेज के आ गए, गलत कैसे हो सकता है? गलत कह सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो अब हम आगे वापस हमारे कोड में। अब मुझे बताओ यहाँ क्या करना है। अगेन मैंने बोला कोई क्राइटेरिया नहीं है, सारे रेटिंग रिव्यू चाहिए ले आओ, उठा लो देख लेंगे। तो हमने बोला सारा का सारा डेटा चाहिए, फटाफट से सारा का सारा उठा के ले आओ। अगेन जब मैं रेटिंग रिव्यू लेके आऊंगा, क्या वहां पे कोई ऑब्जेक्ट आईडी भी होगी? मैंने कहा मैं तो भूल गया, देखो मुझे तो याद नहीं है, चेक कर लेते हैं मॉडल के अंदर जाके। हम गए मॉडल के अंदर, हाँ भैया यूजर की ऑब्जेक्ट आईडी और कोर्स की ऑब्जेक्ट आईडी ये नहीं चाहिए अपने को, मुझको नहीं चाहिए यूजर की आईडी, मेरे को नहीं चाहिए कोर्स की आईडी। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, पॉपुलेट कर देंगे, पॉपुलेट कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो आओ फटाफट इसे कोड करते हैं और कहानी खत्म करते हैं इस वाले कंट्रोलर। ये सबने ट्राई किया था ये वाला कंट्रोलर? किसी ने ये वाला कंट्रोलर ट्राई किया था? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अभी देखो आसान है, कोई खास ज्यादा मुश्किल है नहीं इसके अंदर, सिंपल स्टफ। तो हमने बोला जी कॉन्स्ट ऑल रिव्यूज, ऐसा करके मैंने एक कॉल मार दी डीबी की, मैंने बोला जी रेटिंग एंड रिव्यू, और यहाँ मैंने बोला जी डॉट फाइंड, और मैंने बोला कोई क्राइटेरिया ही नहीं है मेरे पास, सारा डेटा उठा लो, सारा डेटा ले आओ उठा के। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन कर दिया कि इसको सॉर्ट करना है यार किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे, इसको सॉर्ट कर देना किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे। लेट्स से मैंने वो क्राइटेरिया बोल दिया कि जो रेटिंग है ना, रेटिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करके ले आना, रेटिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करके ले आना। एक क्राइटेरिया मैंने अपने एंड से ये बना दिया, लेट्स से तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना चाहते हो तो तुम इंक्रीजिंग बना लो। ठीक है, पर अच्छा नहीं लगेगा ना यार तुम्हारे होम पेज पहले वन स्टार वाले रिव्यू आ रहे हैं, फिर टू स्टार वाले, थ्री स्टार, डिक्रीजिंग वाले कर लो, पहले फाइव वाले आने दो, फोर वाले आने दो, उसके बाद ही ऐसे करके वन में जाना। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम आ गए, और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर दो चीजें थी जिनकी ऑब्जेक्ट आईडी आ सकती है, एक यूजर और एक कोर्स, तो उसका ध्यान रखते हैं। तो मैंने क्या बोला भाई साहब पॉपुलेट कर देना। अच्छा किसको पॉपुलेट करें? यूजर वाले पाथ को। तो मैंने बोला यूजर वाले पाथ को पॉपुलेट कर देना। और एक चीज, एक और नया तरीका तो हम बताते हैं, किसी को याद है वो ब्रैकेट्स कि फर्स्ट नेम ट्रू, लास्ट नेम ट्रू, ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, उस ट्रू का मतलब क्या था कि ये वाली फील्ड मुझे आउटपुट में लाके देना, ये वाली फील्ड मेरे को आउटपुट में लाके देना, इसके अलावा कोई फील्ड मुझे नहीं चाहिए। याद है वो? याद आ रहा है? हमने किया था वो, ठीक है।
और मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलो तो हमने बोला चलो पॉपुलेट कर लिया हमने, सबसे पहले हमारे यूजर के अंदर ये सारी फील्ड पॉपुलेट करके लाओ। नेक्स्ट मैंने बोला नेक्स्ट किसकी आईडी थी, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा डेटा था जो कि आईडी की फॉर्म में स्टोर हो रहा था, याद है किसी को? भूल गए? कोर्स, कोर्स बढ़िया, याद है। तो हमने बोला पाथ जो है वो कर दो जी कोर्स, और कोर्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड चाहते हो। मैंने कहा ज्यादा नहीं, बस कोर्स नेम ले आओ। तो मैंने बोला ज्यादा फील्ड्स नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ कोर्स नेम उठा के ले आओ, आप काफी हमारे लिए। और इस क्वेरी को, और इस क्वेरी को मैंने, और इस क्वेरी को, इस क्वेरी को, अरे चलना यार, और इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। हमने एक क्वेरी लिखी जहां पे हमने बोला कि सारे के सारे रेटिंग रिव्यू उठा के ले आओ, जिसके अंदर यूजर को पॉपुलेट करना सिर्फ ये वाली फील्ड और कोर्स को पॉपुलेट करना सिर्फ ये वाली फील्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इस प्रकार हमने ये सारा डेटा पॉपुलेट करवा लिया, हमें ये सारा डेटा मिल जाएगा ऑल रिव्यूज के अंदर। मुझे क्या करना था, कुछ भी नहीं, रिटर्न करो रिस्पॉन्स को, रिटर्न करो रिस्पॉन्स को, और कहानी खत्म करते हैं बराबर। ऑल रिव्यूज फेच सक्सेसफुली, और लेट से डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे ऑल रिव्यू सेंड कर दिया। क्या बात समझ में आई? क्या ये मुश्किल लग गया? क्या ये मुश्किल लग गया, ये मजाक था? क्या ये मुश्किल लग गया या ये मजाक था? तो इस प्रकार से तुमने इसे भी कंप्लीट कर लिया, इस प्रकार से तुमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। तो तुमने तीनों के तीनों हैंडलर फंक्शन तुम्हारे रेटिंग रिव्यू कंट्रोलर के राइट डाउन कर लिए, जहां पर तुमने सीखा कि रेटिंग क्रिएट कैसे करते हैं, तुमने सीखा कि एवरेज रेटिंग कैसे निकालते हैं, तुमने सीखा कि भाई सारी रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नया था नहीं, बस सिंटेक्स में आपने एक और नया तरीका सीख लिया सिलेक्टेड फील्ड को निकालने का, ठीक है। इस वाले में बहुत कुछ है सीखने को, फाइंड आउट करो एग्रीगेट से क्या होता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से अवेलेबल है, किस ऑपरेटर कैसे सिंटेक्स का यूज किया जा सकता है। अगेन यहाँ पर आपको डर लगेगा आज की क्लास में, सिर्फ सिंटेक्स से डर लगेगा, समझ में सब कुछ आया होगा, ठीक है। तो सिंटेक्स जो आप रेफरेंस ले सकते हैं इंटरनेट से। आगे चलते हैं, यहाँ वाले में सब कुछ नॉर्मली था, यहाँ पे कुछ नया था नहीं हमारे पास। अगेन यहाँ पर इन कुछ ऑपरेटर्स को आप एक बार स्टडी कर सकते हैं गूगल करके, ठीक है। एक बार फाइंड आउट करना कि लाइन नंबर 43 से लेकर लाइन नंबर 57 के बीच में कोई गलती करी है कि नहीं करी। एक होमवर्क है, लाइन नंबर 43 से लेकर 47 के बीच में कोई गलती करी है कि नहीं करी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है चलो, अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारे को एक और हैंडलर फंक्शन फटाफट से क्रिएट करना है हमारे कैटेगरी वाले कंट्रोलर के अंदर, और जिसका नाम हमने क्या रखा है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, कैटेगरी पेज डिटेल्स। यहाँ पे हम पहले ही क्रिएट करके बैठे हैं, इसको फटाफट से साफ कर देते हैं। ये मैंने तुम्हें शेयर कर दिया क्या ऑलरेडी? ये मैंने तुम्हें पहले शेयर कर दिया था क्या? अरे यार मुझे लगा मैंने शेयर ही नहीं किया, ये होमवर्क में दिया था क्या मैंने? ये होमवर्क में दिया था मैंने? ये नहीं दिया था? वो बच्चा कह रहा है नहीं दिया था, वो बच्चा कह रहा है हाँ दिया था। अरे तुम्हें ये कोड शेयर किया था मैंने पहले, ये बताओ कहानी, तुम्हें कोड शेयर किया मैंने? एक बच्चा कह रहा हाँ, एक बच्चा कह रहा हाँ। अच्छा कोड शेयर किया मैंने, कुछ बच्चे कह रहे हैं होमवर्क में नहीं दिया और कुछ बच्चे कह रहे हैं होमवर्क में दिया। ओके चलो कोई नहीं, शुरू से कर लेते हैं, शुरू से करते। वैसे देख लो होमवर्क में दिया होगा तो ये मैंने तुम्हें आंसर इसलिए दे दिया होगा कि भाई चलो शुरू से तुम वेरीफाई कर लेना तुम्हारे प्रोजेक्ट को, पर चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, नॉर्मल नॉर्मल स्टॉफ, ठीक है जी। तो अभी फटाफट से हमें एक हैंडलर फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम है कैटेगरी पेज डिटेल्स। कैटेगरी पेज डिटेल्स है इसका नाम, और अगेन कोई देख रहा हो कि ये कैटेगरी कहाँ से आ गया एकदम से, तो कुछ भी नहीं, जो आपका टैग वाला कंट्रोलर था ना, टैग को हमने रीनेम करके कैटेगरी कर दिया है। अब जो काम तुम टैग से करने वाले थे वो तुम कैटेगरी से करने वाले हो, ठीक है। चलो फटाफट से यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कैटेगरी पेज डिटेल्स का हैंडलर फंक्शन क्रिएट करना है। अब सवाल है मतलब क्या है इस बात का, मैंने कहा दिखाते हैं। चलो फटाफट तुम्हारे यूआई पे चलें, ये रहा तुम्हारा यूआई, और तुमने कहा कि ये मैं आ गया यहाँ पे। ये देखो ये तुम्हारा एक कैटेगरी पेज है दोस्त, ये तुम्हारा एक कैटेगरी पेज है, ये तुम्हारा एक कैटेगरी पेज है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें तुम देख पा रहे हो। तुम क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं। तुम क्या देख पा रहे हो यहाँ पर? मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं। तुम क्या देख पा रहे हो यहाँ पर? टॉप कोर्सेज कौन से हैं। तुम क्या देख पा रहे हो यहाँ पर? फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का एक सेक्शन बना पड़ा है, राइट। तो
यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कोर्स शो करना, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कोर्स शो करना, वो तुम्हारा इंटेंट है, वो तुम क्रिएट करना चाहते हो फटाफट, वो तुम फटाफट से क्रिएट करना चाहते हो। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड भी था ना, ठीक है। तो ये कहानी है दोस्त, ये कहानी। तो फटाफट से देखते हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हमें क्रिएट करनी है। चलो आओ फटाफट कोड की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ एल्गो लिख देता हूँ और कोड तुम खुद से करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हें अगर दे चुका हूँ तो फिर से टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। या चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या करना है। तो मैंने बोला जी एक्सपोर्ट्स डॉट, आपने यहाँ पर बोला कि कैटेगरी, कैटेगरी पेज डिटेल्स, ठीक है जी। अब मुझे बताओ क्या लगता है, यहाँ पर एक कैटेगरी के कोरस्पॉन्डिंग आपको कोर्सेज दिखा रहे हैं, कभी कभी आप यहाँ पर सेम कैटेगरी कोर्सेज दिखा रहे हैं, कभी कभी आप डिफरेंट कैटेगरी के कोर्सेज दिखा रहे हैं, कभी कभी आप टॉप सेलिंग कोर्सेज दिखा रहे हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज आप यहाँ पर दिखा रहे हैं और उस हिसाब से उसे कोड डाउन कर देंगे। अभी सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर एक चीज इनपुट में चाहिए हो तो क्या चाहिए होगा, मुझे कॉमन सेंस की बात है, मुझे कैटेगरी आईडी चाहिए होगी। कैटेगरी आईडी शफल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो दोस्त, आपका आपका प्रोजेक्ट है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। मैं तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ हमेशा, कि देखो ये तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तुम कुछ भी ऐड करना चाहो प्रिंस दीक्षित, यू आर फ्री टू डू, ठीक है। तो शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, कर देना है, करें शुरू करें। चलो तो हम आए यहाँ पे, हमने बोला सबसे पहले, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेट कैटेगरी आईडी, आपको कैटेगरी की आईडी फेच करनी पड़ेगी पहले, ठीक है जी। उसका सेकंड काम क्या होगा, अब कैटेगरी आईडी मिल गई है तो ऐसा करो उस कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग, उस कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं, अब तुम एक बार कैटेगरी का मॉडल दिखाता हूं, उस कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं, दिख रहा है साफ साफ, एक कैटेगरी के, एक कैटेगरी के मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, दैट्स व्हाई यहां पे एरे का यूज किया हुआ है। तो उस कैटेगरी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं उनको फेच कर लो, उनको फेच कर लो, ठीक है। चलो तो हमने यहाँ पे स्टेप जो है फटाफट से ऐड कर दिया, हमने बोला कैटेगरी में चलो कैटेगरी आईडी ले ली, हमने बोला जी गेट कोर्सेज, गेट कोर्सेज फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी आईडी, ठीक है जी। अब क्या हो सकता है, हो सकता है कि वहां पे कोर्स ही ना मिले, हो सकता है उस कैटेगरी के अंदर कोई कोर्स ही ना मिले, वैलिडेशन भी कर लेना थोड़ी सी वैलिडेशन भी कर देना, ठीक है जी। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मुझे इस कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कोर्सेज मिल गए, अब ऐसे कुछ कोर्स ले आओ जो कि डिफरेंट कोर्सेज हो, दूसरे कोर्सेज, दूसरी कैटेगरी के कोर्सेज हो। तो मैंने बोला कि गेट कोर्सेज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, लेट से मैं कुछ अपनी जो कैटेगरी मेरी है उसे कुछ शो करना चाहता हूँ, साथ में सजेशन में मैं कुछ डिफरेंट कोर्सेज शो करना चाहता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से कुछ, और साथ में सजेशन में कुछ टॉप सेलिंग कोर्सेज भी शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो तीन प्रकार के कोर्स में शो करना चाह रहा हूँ, पहला जो मेरी कैटेगरी है उसे कोर्स दिखाओ सबसे पहले, फिर कुछ डिफरेंट कोर्सेज दिखा दो, लेट से वहां पर कुछ मन कर जाए लेने का, और थर्ड मैं कुछ टॉप सेलिंग कोर्सेज दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला गेट टॉप सेलिंग कोर्सेज, ठीक है। और इसके बाद आपने ये तीनों के तीनों टाइप के कोर्सेज निकाले, रिटर्न कर दो इनको, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने इन चीजों का यूज करके अपने कैटेगरी पेज डिटेल फाइंड आउट कर ली है। मैंने तीन चीजें बेसिकली बोली थी आपको, तीन चीजें बेसिकली आपको बोली थी मैंने, एक तो आपको जिस कैटेगरी से पाइथन कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, तो फटाफट से पहले उस कैटेगरी के सारे कोर्सेज दिखाओ, वो सबसे मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि यूजर ने अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लिक किया है तो वो सॉफ्टवेयर के ही कोर्सेज देखना चाहता होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी हुआ तो उसको वो कोर्सेज दिखाओ। सेकंड, क्या पता उसको कुछ और लेने का मन भी कर जाए तो उसे डिफरेंट कैटेगरी कोर्सेज भी दिखा दे रहा, तो वो डेटा भी ले आओ, बहुत बढ़िया। थर्ड, यार टॉप सेलिंग कोर्सेज जो लोग बाकी लोग भी खरीद रहे हैं, वो वैसे कोई कोर्सेज भी देखो एक बार यार, वो भी इसको दिखाओ। तो तीन प्रकार के कोर्सेज हमने यहाँ पे फेच कर लिए, लेट से आपके दिमाग में और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आ रही है ये जो कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो चलो इसे कोड करना फटाफट शुरू करें, इसके अंदर एक सेक्शन आपको होमवर्क में दे देंगे, पर अभी फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो हमने बोला जी कैटेगरी आईडी जो है वो हमने कहाँ से ले ली, वो हमने रिक्वेस्ट की बॉडी में से ले ली, तो हमारे पास कैटेगरी आईडी तो आ चुकी है। अब मैंने क्या बोला, इस कैटेगरी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग, इस कैटेगरी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज निकाल कर लिया, मैंने कहा हो जाएगा जी, और बताओ। तो हमने बोला जी सिलेक्टेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सिलेक्टेड कैटेगरी के आपके आपने कोर्सेज निकाल लिए, आपने बोला जी अवेट कैटेगरी
कैटेगोरी डॉट फाइंड बाय आईडी, क्या हो गया सजेशंस को यार, ऐसे कैसे बनेगी बात मेरे जीवन में सजेशंस खत्म हो गए ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, कैटेगरी फाइंड आउट कर लिया अगेन, ठीक है, तो फटाफट चलते हैं देखते मॉडल में क्या क्या था। तो कैटेगरी में क्या देख पा रहा हूँ, नेम पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, और कोर्सेज के अंदर रेफरेंस है। मैंने कहा ओके, तो मैं रेफरेंस तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पॉपुलेट करना। तो मैंने फाइंड बाय आईडी तो कर लिया, बट मैंने साथ में बोल दिया कि भाई पॉपुलेट भी करना पड़ेगा, पॉपुलेट भी करना पड़ेगा। किसको पॉपुलेट करोगे? मैंने बोला कोर्सेज वाली फील्ड को पॉपुलेट कर देना, और आपने अपनी क्वेरी को रन कर दिया। तो इस प्रकार आपने कैटेगरी वाले कलेक्शन में से कैटेगरी आईडी के द्वारा सर्च करके जो भी आपकी आंसर आया उसमें कोर्सेज को पॉपुलेट करके आपने डेटा सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर स्टोर कर लिया। क्या ये बात समझ में आई हम सभी को? चलो बहुत बढ़िया, तो सिलेक्टेड कैटेगरी हमने यहां पर कर लिया। फटाफट से वैलिडेट करते हैं, फटाफट से वैलिडेट करते हैं। मान लो कोई कोर्सेज ही ना आए हो, मान लो कोई कोर्सेज ही ना आए, लेट से बच्चा सॉफ्टवेयर डेव के कोर्स देखने आया है और सॉफ्टवेयर डेव के मैं उसको कोर्स नहीं दिखा पा रहा। मैं कह रहा हूँ वेब ले ले, वेब ले ले भाई, बड़ा प्यारा कोर्स है। अच्छा मशीन लर्निंग लेगा वो ले ले, अरे सॉफ्टवेयर डेव छोड़, अच्छा कर एंड्रॉइड ले जा, ऐसे कर रहा हूँ। तो जो मांग रहा है कम से कम वो वाला कोर्स तो उसको दिखा दो यार, ऐसे कैसे बनेगी बात, है ना। तो फटाफट से एक बार ये केस संभाल लेता। तो हमने क्या बोला कि मान लो तुम्हारे को डेटा ही नहीं मिला, अगर इफ सिलेक्टेड कैटेगरी इज नॉट प्रेजेंट, तो उस केस में आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स को। आपने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस 404 नॉट फाउंड डॉट जेसॉन, मैंने क्या बोला सक्सेस, तो आपने मार्क कर दिया फॉल्स। और मैसेज मैसेज के अंदर आपने क्या लिख दिया, मैंने बोला जी डेटा नॉट फाइंड। बढ़िया, तो इस प्रकार से हमने वैलिडेशन भी संभाल ली। अब मैंने क्या बोला, चलो सिलेक्टेड कैटेगरी के लिए मेरे पास कोर्सेज आ गए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए कोर्सेज भी चाहिए। मैंने बोला मुझे डिफरेंट कैटेगरी के लिए कोर्सेज भी चाहिए, डिफरेंट कैटेगरी के कोर्सेज भी लेके आओ। मैंने कहा ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। तो हमने बोला जी कॉन्स्ट, हमने बोला जी कैटेगरीज, हमने बोला डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगोरीज इज इक्वल्स टू अवेट कैटेगोरी कैटेगोरी डॉट फाइंड। और क्या आधार पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं? आपने बोला मैं आईडी के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर रहा हूँ, आईडी के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि मेरी आईडी इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल। तो आपने बोला नॉट इक्वल टू वॉट, कैटेगोरी आईडी, कैटेगोरी आईडी। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इस प्रकार से आपने क्या बोला, इस प्रकार से आपने क्या बोला, आपने बोला कि मुझे ऐसी कैटेगरीज का डेटा ला के दो जिनकी आईडी इस कैटेगरी आईडी के इक्वल नहीं है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो मैंने बोला मुझे ऐसी कैटेगरीज का डेटा ला के दो जो इस कैटेगरी आईडी के इक्वल नहीं है, जिनकी कैटेगरी आईडी इनके इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से आपने डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा भी फाइंड आउट करने की कोशिश की है। इस प्रकार से आपने डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा फाइंड आउट भी करने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो आपको कैटेगरी वाले कलेक्शन में से इस कैटेगरी के अलावा बाकी चीजें मिल जाएंगी, इस कैटेगरी के अलावा बाकी चीजें मिल जाएंगी। बढ़िया, ये बात समझ में आती है। अब हम क्या चाहते हैं, इसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज अवेट फाइंड। डिफरेंट कैटेगरीज मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। और मैं क्या कर सकता हूँ यार इसके बाद, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर आ चुकी हैं। मैंने क्या बोला कि उन सभी के अंदर ऐसा कर दो, पॉपुलेट कर दो, पॉपुलेट कर दो किसको, कोर्सेज को। कोर्सेज को हमने पॉपुलेट कर दिया और उन्होंने बोला इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा यहाँ पर आ गया सारा का सारा, मेरे पास एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा यहाँ पर प्रेजेंट हो गया मेरे पास। इस कैटेगरी मैंने क्या बोला कि फाइंड बाय आईडी कोर्सेज, तो यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज मेरे पास आ गए होंगे, मल्टीपल कैटेगरी की एंट्रीज मेरे पास आ गई होंगी और वहाँ पर कोर्सेज पॉपुलेटेड होंगे, ठीक है। अगेन सेम फॉर दिस, आई थिंक सही चल रहा है, आई थिंक सही चल रहा है। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक सही चलेगा,
एन ई का मतलब है नॉट इक्वल दोस्त, ई क्यू का मतलब इक्वल होता है ना, एन ई का मतलब नॉट इक्वल, ठीक है जी। तो इस प्रकार की हमने कोई चीज करी है। अगेन टॉप सेलिंग कोर्सेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोर्स के स्पेसिफिक कोई ऐसा नंबर हो कि कौन सा कोर्स कितनी बार सोल्ड हो चुका है, कौन सा कोर्स कितनी बार बिक चुका है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर पाऊंगा कि भाई किस कोर्स को मैं टॉप प्रायोरिटी दूं, किस कोर्स को मैं कम प्रायोरिटी दूं। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये दोस्त एक बार तुम्हें खुद से करना है, ये तुम्हारे होमवर्क में कि तुम इसे कैसे करोगे। ये तुम्हें खुद से एक बार देखना है टॉप सेलिंग कोर्सेज वाला, ठीक है। पहले भी होमवर्क में जैसे एक बार दोबारा पूरा होमवर्क में आपको पूरे किसी का थोड़ा सा पार्ट आपको दिया, संभाल लेना इसको, ठीक है। और लास्ट पार्ट हमारा क्या है, हमें रिटर्न करना है रिस्पॉन्स, तो मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहा हूं। मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इसके अंदर 200 पास किया, डॉट जेसॉन, जेसॉन में मैंने कहा जी सक्सेस, इसको मार्क कर दिया ट्रू, और मैंने क्या बोला डेटा के अंदर मैंने अपना डेटा पास कर दिया, मैंने कहा जी मैं सिलेक्टेड कैटेगरी वाले कोर्स भी पास कर दो इसके अंदर, और इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज वाले कोर्स भी पास कर दो, और तुम चाहो तो यहाँ से टॉप सेलिंग वाले जो कोर्सेज लाओगे तो उसको भी पास कर सकते हो, तुम चाहो तो उसको भी पास कर सकते हो। भैया आपने डेटा के अंडर क्यों एंटर किया इन सारे कोर्सेज को, क्या मैं अलग अलग नहीं कर सकता था? मैंने कहा भाई अलग अलग भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर, जैसे तुम करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर, तुम पे डिपेंड करता तुम कैसे कोड करना चाहते हो। तो हमने इस प्रकार इसे कोड कर दिया है, रिटर्न 500 डॉट जेसॉन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है, अभी काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है ये हैंडलर फंक्शन, बट अगेन आपको कंप्लीट करना है। कैटेगरी आईडी को अवेलेबल है, उस कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग आप डेटा लेके आओ, उस कैटेगरी के अलावा जो बाकी कैटेगरीज है उनके कॉरस्पॉन्डिंग को डेटा लेके आओ, और टॉप कोर्सेज जो है यहाँ पर एक वेरिएबल की हमें नीड पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंगली हम बता पाए कौन सा टॉप सोल्ड है, कौन सा कम सोल्ड है, उसके हिसाब से हम बता पाए। खुद से फाइंड आउट करो कैसे इसे कर पाओगे, दिमाग लगेगा इसके अंदर थोड़ा सा लगाने की कोशिश करना, और रिटर्न करते रिस्पॉन्स आपने। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मैंने आपको नंबर ही बोल दिया कि फाइंड टॉप 10 सेलिंग कोर्सेज, आप 10 कोर्सेज ऐसे निकालना चाहते हैं जो कि सबसे ज्यादा बिके हैं, ठीक है जी, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। तो अब ठीक है, तो ये कहानी हमने कर ली, हमने हमारे कोर्स कंट्रोलर के गेट कोर्स डिटेल वाला फंक्शन लिख लिया, जहां पे हमने बहुत सारी चीजों को पॉपुलेट करवाया। आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कितना सारा पार्ट हमने पॉपुलेट करवाया, नेस्टेड पॉपुलेशन वाला काम भी हमने यहाँ पर किया हुआ है। सेकंड, हमने रेटिंग एंड रिव्यू वाला कंट्रोलर बनाया, जहाँ पे तीनों के तीनों फंक्शंस डिफाइन किए, क्रिएट रेटिंग, गेट एवरेज रेटिंग, गेट ऑल रेटिंग, जहाँ पे बहुत सारा स्कोप है आपके पास अभी भी लर्न करने का, कि आप फाइंड आउट करो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, कैसे इन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को मैं यूज कर सकता हूँ, क्या इनका सिंटैक्स है, क्या कोई आसान तरीका मेरे पास एग्जिस्ट करता है इनके सिंटैक्स को याद करने का, फाइंड आउट करने की कोशिश करना। और एट द एंड हमने क्या सीखा, एट द एंड हमने सीखा कैटेगरी पेज के बारे में, लेट्स मुझे कैटेगरी पेज के 3 प्रकार के कोर्सेज दिखाने हैं, एक तो सिलेक्टेड कोर्स कैटेगरी की डिटेल्स, एक तो डिफरेंट कोर्सेज की डिटेल्स, एक तो टॉप सेलिंग कोर्स की डिटेल। तो ये 3 प्रकार की डिटेल हमें चाहिए, जहां पे आपको मैंने थर्ड वाली चीज होमवर्क में दी है टॉप सेलिंग कोर्सेज की, तो इसे होमवर्क में कंप्लीट करके लाना, ठीक है। अगेन लास्ट एक कंट्रोलर है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने बोला यहाँ पे अगर ध्यान से देख पाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें यहाँ पर दिखेगा एक कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो क्या तुम बच्चों में इतनी समझ है कि तुम फटाफट से कॉन्टैक्ट का कंट्रोलर पूरा का पूरा राइट डाउन कर दो? बताओ 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 बताओ, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। चलो अभी के लिए मैं तुम्हें नॉर्मल सा टास्क देता हूं, अभी के लिए मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा टास्क देता हूं, ठीक है। तो वो नॉर्मल सा टास्क क्या है, वो नॉर्मल सा टास्क अभी के लिए ये है कि मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डेटा इस कोर्स को भूल जाओ एक मिनट के लिए, ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज कहीं पर क्रिएट करो फटाफट से डमी, सीएसएस ऐड करने की नीड नहीं, एचटीएमएल से क्रिएट कर लो सिंपल, ठीक है, ये रिएक्ट से करना चाहो रिएक्ट से कर लो,
तो हमने बोला फटाफट से इसे क्रिएट करो और इसको सेंड मैसेज करने पे दो काम करो, इसको सेंड मैसेज करने पे दो काम करो। पहला काम ये करो कि भाई साहब यूजर को मेल भेजो, जिस बच्चे ने फिल किया ना, जिस बच्चे ने फिल किया हुआ है उसको एक मेल भेजो। उसकी आईडी तो निकाल लोगे ना, अगर बच्चा मेल कर रहा है तो तुम्हारे पास यूजर आईडी तो होगी उसकी, और अगर यूजर आईडी है तो ईमेल आईडी भी निकल जाएगी, यस और नो। तो मेल करो उस बच्चे को, वैसे वो बच्चा यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट भी कर रहा है, इनपुट फील्ड भी है, तुम यहाँ से भी उसको मेल कर सकते हो। तो पहला काम है सेंड मैसेज के बाद कि भाई तुम यूजर को जिसने ये फॉर्म फिल किया उसको मेल करो कि मुझे तुम्हारा डेटा मिल गया। वैसे दूसरा काम है पर ठीक है, पहला काम मान लो इसको भी। और अगला काम हमें क्या करना है कि जो भी डेटा या जो भी मैसेज उस बच्चे ने यहाँ पे डाला है ना, वो तुम अपनी खुद की जो तुम्हारी आईडी है, तुम कोड हेल्प वाले हो, कोड हेल्प सपोर्ट की जो आईडी है, अब तुम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट से तुम राहुल की जो आईडी है, ठीक है, तो तुम अपने आप को एक मेल करो बच्चे के डेटा के साथ। दो काम है, पहला काम बच्चे ने जो डेटा फिल किया है उस डेटा का डंप लेके अपने आप को एक मेल करो, सेकंड काम बच्चे को एक कंफर्मेशन मेल करो कि भाई तुम्हारा डेटा रिसीव हो गया है। क्या दो बात समझ में आती है? पहला काम बच्चे ने जो डेटा फिल किया उस डेटा का डंप लेके अपने आप को मेल करो, सेकंड काम बच्चे को कंफर्मेशन मेल करो कि बेटा तुम्हारा डेटा रिसीव हो गया, ठीक है। ये दो काम करने हैं तुम्हें आज, कल की क्लास से पहले पहले, छोटे छोटे बच्चे बच्चे वाले काम है ये कर लो, और फिर तुम्हें हम ये कॉन्टैक्टस वाला कंट्रोलर भी करवा देंगे अगर लॉजिकल लगेगा मुझे, वैसे तो बच्चों वाली चीज है, पर चलो ठीक है। अगे नेक्स्ट 3 से 4 घंटे के अंदर या फिर नेक्स्ट 1 से 2 क्लासेज के अंदर आपका बैकएंड हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक हो भी जाना चाहिए, ठीक है। एक और होमवर्क आपको दे देता हूँ फटाफट से मैं, अगेन ध्यान से अगर देखोगे तो हम बहुत सारी चीजें बिल्ड कर चुके हैं, कोड बेस थोड़ा सा बड़ा हो चुका है हमारा। तुम फटाफट से यहाँ पे राउट्स क्रिएट करना, तुम फटाफट से यहाँ पे राउट्स क्रिएट करना, ठीक है। राउट्स क्रिएट करने में मुझे बताओ, मैं तुम्हें 3 चीजें सिखाई थी, 3 चीजों की क्या नीड होती है राउट क्रिएट करने में? हमें मेथड पता होना चाहिए, हमें पाथ पता होना चाहिए, हमें हैंडलर फंक्शन का पता होना चाहिए। 3 चीज अगर मुझे पता है मैं राउट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। हैंडलर फंक्शन का नाम तुम ऑलरेडी पता है यहाँ पे, पाथ तुम खुद से डिसाइड कर लो अभी के लिए, और तुम ऑलरेडी पता होगा उसके बारे में, फंक्शन की डेफिनेशन में देखिए तो हम पोस्ट करने वाले हो, पुट करने वाले हो, डिलीट करने वाले हो या गेट करने वाले, ठीक है। तो सारे के सारे हैंडलर फंक्शंस फटाफट से, ओ सॉरी सॉरी, सारे के सारे राउट्स यहाँ पर फटाफट से डिफाइन करो, ठीक है। होमवर्क में है, मैं तुम्हें वैसे कोड्स के अंदर अटैच करके दे दूंगा, ठीक है, और वेरीफाई करना क्या तुम कर पाए कि नहीं कर पाए, और ट्राई करना एक बार, ट्राई करना index.js वाली फाइल क्रिएट करने का भी, ठीक है। मैं तुम्हें सारे सारे राउट्स अभी अटैच करके दूंगा, उसकी चिंता मत करना, जब एक कोड अपलोड करूंगा मैं तो राउट्स के साथ कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? चलो मैं अगले 10 मिनट के अंदर कोड अपलोड करता हूँ जहां पे सारे राउट्स भी एडेड होंगे। वेरीफाई करना, कॉपी पेस्ट मत करना, पहले खुद से क्रिएट करो उसके बाद मेरे से वेरीफाई करना, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में है सारे राउट, बहुत बढ़िया, पर खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार डॉक्यूमेंट देखो, खुद से लिखो, उसके बाद मेरे कोड को देखना, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि क्लास तुम्हारी जल्दी खत्म होगी, कभी कभी ये झूठ जो है वो सत्य भी हो जाता है, और आज हमने कर ली है, तो उस क्या बात है, ये उम्मीद तो नहीं थी, 1.25 घंटे के अंदर पढ़ाई कर ली हमने, वाह बढ़िया। तो टाइम वेस्ट मत करना दोस्त, कल मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें कहा था ना मैंने कल, तुम्हें तो नहीं कहा था मैंने, किसको कहा था, हाँ तुम ही तो थे, तुम्हें तो कहा था मैंने कि वो 20 मिनट बैठना है, बच्चे 20 मिनट बैठोगे कि नहीं बैठोगे, टाइम्स आए थे, बच्चे आए थे भाई, बच्चे आए थे, मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बैठो यार, आज भी तुम्हारी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो, 20 मिनट बैठो, जो आज कंफ्यूजन है उसे आपस में डिस्कस करो, और लीड करने की कोशिश करो दोस्त, लीड करने की कोशिश करो। एक सिंपल सी लाइन बोलूंगा और लाइन में कोई फिल्टर नहीं है, लाइन बिल्कुल ऑथेंटिक है, लाइन मेरी है और लाइन सत्य है, ठीक है। लाइन सिंपल ये कहती है कि तुम में से जो भी असलियत में इंजीनियर बनना चाहता है, जो भी कंपनी में जॉब करना चाहता है, वो कर लेगा, उसको मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, ठीक है। ये नॉर्मल बात थी, पर तुमसे जो इंटरेक्शन, मैं तुम्हारी जो इंटरेक्शन डिस्कॉर्ड पे देखता हूँ कभी कभी, तुम कैसे बात कर रहे हो, कैसे शुरुआत कर रहे हो, एक सिंपल सा फीडबैक है कि तुम में से लीडर्स बहुत कम बनते, बच्चे बनते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इंजीनियर्स की मैं इतनी टेंशन लेता नहीं, वो तो बन जाओगे तुम, भरोसा मुझे तुम्हारे ऊपर, पर लीडर बनो ना यार, राजा बनो ना, प्रजा बनने में क्या फायदा है, राजा बनने में फायदा है ना, ट्राई करो राजा बनने का, है तुम्हारे अंदर वो चीज यार, है तुम्हारे अंदर वो चीज, ठीक है। राजा और रानी, के रानी बोल सकता हूँ क्या मैं, रानी बोल सकता हूँ, रानी तो फिर शादी होगी ना रानी की, तो रानी मत बनो, नहीं रानी नहीं बनना तुम्हें, जो लड़कियां उनको भी राजा बनना है, जो लड़कियां हैं उनको भी राजा बनना है, और लड़कों को भी राजा ही बनना है, राजमाता के तो फिर बच्चे भी हो गए, ऐसे नहीं होता दोस्त, तो हम सबको राजा बनना है, ठीक है। चलो ठीक है, जोक्स असाइड, थोड़ा ट्राई करो दोस्त,
राजा बनने का, लीडर बनने का ट्राई करो, कभी मौका मिले। बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जब तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा दोस्त। मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जीवन में आगे जाओगे शायद उतने मौके अच्छे मिले ना, या फिर जहां मौके मिल रहे हैं वहां तुम्हें वो मौके लगे ना कि यहाँ बोल के क्या ही करूंगा, मेरे को फायदा नहीं है। तो बहुत कम मिलेंगे तुम्हें ऐसे मौके बोलने के, एक्सपीरियंस कर लिया करो चीजों को, ठीक है। और जब मैं लीडर बनूं तो लीडर मतलब मैं नेता बनने को नहीं कह रहा कि नेता बन जाओ पॉलिटिक्स में चले जाओ, ठीक है। जनरिक सेंस में लीडर बोल रहा हूँ कि जहां पे तुम खड़े हो वहां पे फिर सब तुम्हें देख रहे हो कि अच्छा ये खड़ा ये बताएगा क्या करना है अब, और तुम बता रहे हो। जब 50 लोगों की रूम के अंदर तुम्हारी एंट्री हो, सब तुम्हें देख रहा हूँ कि भाई ये आया है, अब आएगा मजा, ये बनाएगा माहौल, ठीक है, या हम फंसे पड़े थे ये निकाल लेगा अभी। तो वो लीडर वाली तुम्हें ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा अपने आसपास। मुझे उसमें मजा आता है दोस्ती के। इंजीनियर तुम सारे के सारे बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑरा जो तुम्हारे आसपास एनर्जीज निकल रही है वो लीडर वाली आनी चाहिए। राजा, राजा अब आया है, अब आएगा स्वाद। क्या बात समझ में आती है? कि तुम्हारी एब्सेंस में डिसीजन ना हो पाए और तुम्हारे आते ही 1 मिनट में डिसीजन होने लग जाए, उसे कहते हैं राजा बना। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे आपका सच में इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।